है क्या पता। हाँ? वहां देखो मंदिर जैसा दिख रहा है। यहाँ के भगवान कितने सुंदर है ना। भगवान के गहने भी बहुत सुंदर है ना। हाँ, ये बैग क्यों लाई हो? हाँ, वो ज्वेलरी बैग में डालने के लिए। अब इसकी तो इतना टेंशन मत लो, इस बैग में कपड़े हैं। ओ, कुछ भी कहो, तुम लड़कियों के पास दिमाग तो होता है। भागने वाले हैं फिक्स कर लिया तो तैयारी तो करनी होगी ना। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ तो मंदिर का दरवाजा भी खुला है, अगर यहाँ कोई चोरी हुई तो। भगवान की ज्वेलरी कौन चुराएगा भला? तुम टीवी नहीं देखती क्या? आजकल ज्यादातर चोरियाँ ऐसी होती हैं। कौन हो तुम लोग? तो आप लोग कौन है? सवाल का समाधान सवाल नहीं होता। हमारे नेता आके तुम्हारा बैंड बजाएंगे, तब सवाल का जवाब मिलेगा। रायल सीमा के राजा और हम सबकी हिम्मत, हम सबकी शान और हमारे गांव के शेर है वो। हटो भाई, आ रहे हैं। हटो। इस गांव में एक शेर रहता है, पता नहीं है क्या तुम लोगों को? मामूली नहीं, गांव के शेर हो आप। इस भैरव नायडू के होते हुए तुम इस मंदिर के देवता का आभूषण चोरी करने के लिए कितने लोग आओगे रे? इसका मतलब ये कि हम आपको चोर दिखते हैं? फिर कौन हो? इज्जत से बता दो तुम लोग हो कौन? वो हम बताओ फ्रेंड्स। ए, हम लवर्स हैं क्या? फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स, लवर्स, फ्रेंड्स, लवर्स, फ्रेंड्स। ये लड़की झूठ बोले सर, हम फ्रेंड्स हैं। जो सच को छुपाता है वो झूठ बोलता है, मैं तो सच बोल रही हूँ सर। तुम इनसे डर के झूठ बोल रही हो। यही सच है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ये सच है। तुम झूठ बोल रही हो। कहा ना मैं सच बोल रही हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या ड्रामा कर रहे हो क्या? इधर से दबाऊंगा उधर से निकलेगी। ये क्या है? बुलेट। इस लड़की का क्या नाम है? वो नाम नाम तुमको पता है या नहीं पता है? पता नहीं है भाई, इसीलिए तो एक दूसरे की। तुम बताओ। इस लड़की का नाम पता नहीं है, फिर भी लवर्स बोल रही थी। अब भी वही बोल रही हूँ, हम लवर्स हैं। सर, प्रेम लेखा सिनेमा देखा क्या? ये गेटअप देखकर पूछ रही हो क्या? उसमें हीरो और हीरोइन बिना देखे प्यार करते हैं, हम दोनों भी कुछ वैसा ही प्यार करते हैं। प्यार नहीं है सर, मैंने तो बस टाइम पास के लिए देखा था इसे। अब समझ में आया, तब देख रहे हैं आप उसके साथ भाग के आए। ए, भाई इन दोनों को गेस्ट हाउस में डाल दो। ठीक है भाई। सर सर, मेरी बात सुनिए सर, हम फ्रेंड्स हैं। यहाँ भैरव जी की बात सुननी ही पड़ती है, लेकर जाओ। सर सर, ये लड़की नहीं है, मेरी लवर है सर। भाई वो सही है, पता चल गया ना, उनको भेज दो ना भाई। वो नहीं, वो लड़की बोल रही है कि वो इससे प्यार करती है, और वो बोल रहा है कि उस लड़की से वो प्यार नहीं करता है। मतलब ये दोनों घर से भाग कर आए, अब इन दोनों प्रेमियों की शादी हम करवाएंगे। समझ में आया? समझ में तो आ गया, लेकिन हमें क्या समस्या है बताओ? लेकिन मुझे क्या पैसे दो? क्यों? ये तो लवर्स को मेंटेन करना है, तो कितना खर्चा होता है? हाँ, कितना होगा? 25,000 रुपए। दे दो। ओके सर, चलो। आज का तो मेंटेनेंस हो गया, अब आगे का देख। ए, जल्दी जल्दी आओ। ये रहा तुम्हारा रूम। दोनों पर कड़ी नजर रखने के लिए भाई ने कहा है, ध्यान रखना इन पर। छे, ये कैसी बेइज्जती है, और मैं ही डांट क्यों खा रहा हूँ? अब तुम बीच में कौन आ गए हो? डांट खा रहे हो क्या? पूरी दुनिया डांट खा रही है, तुम चीज ही क्या हो? पागल। ये हाउस अरेस्ट क्या है? मेरे साथ ऐसी मुसीबत क्यों होती, समझ में नहीं आ रहा है। अभी ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया है बेबी? ये लोग और उनका दिमाग, वक्त और उसका प्रॉब्लम, अनुभव और उसका सबक, अब तो जिंदगी से इच्छा भर गई है। ऐसा क्या हो गया? तुम इतने परेशान किसकी वजह से हो? तुम लोगों की वजह से। अगर तुम लोग ना होती तो कितना खुश होते हम लोग। अच्छा, बहुत खुश रहते।
छी, तुमको तो बोलना ही बेकार है। यहाँ से मुझे कैसे बाहर जाना मैं ये सोच रहा हूँ, और बीच में तुम्हारा प्रॉब्लम। यहाँ से तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन मेरी जिंदगी से कैसे बाहर जाओगे मैं देखती हूँ। छी। से इधर उधर घूमे जा रहे हो, मेरे साथ बैठ के रोमांटिक बातें कर सकते हो ना? तो तुमको यहाँ पर रोमांटिक बातें चाहिए? यहाँ जिंदगी दांव पर लगी और तुमको ये सब सूझ रहा है? तुमको नहीं, कृष्ण वेणी का नाम सुनने के बाद से वो इफेक्ट मुझे है। ए, चुप रहो ना। ये सुबह सुबह कौन आ गया? कॉफी सर। अरेंजमेंट तो काफी अच्छा किया तुम लोगों ने। मेहमान का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा है। मैडम कहाँ है सर? यहाँ तो नहीं है सर। बाथरूम में होंगी। ओ मैडम, मैडम। अरे बाथरूम में तो क्यों बुला रहा बेवकूफ आदमी को? नहाने दे, कॉफी वहां रख दे, आके पी लेगी वो। नहा रही है तो आवाज तो आनी चाहिए ना। कुछ काम कर रही होगी, तू कॉफी रख के जाना। कोई काम कर रही होंगी तो भी आऊं की आवाज तो आनी ही चाहिए। ए पागल, तू जाना, मानता क्यों नहीं है? मैं नहीं मानूंगा, चिल्लाऊंगा। साहब जी, कहां गई वो लड़की? मुझे नहीं मालूम कहां गई। तुमको कैसे नहीं मालूम होगा? पहले उसको भगाकर बाद में खुद भागने वाले हो क्या? एक दूंगा। मेरी इजाजत के बिना इस गांव से कौन भागने वाला है? ये ऐसे नहीं बोलने वाला है। आइटम। इधर काटूंगा और गिरेगा उधर जाकर। गला काट दो भाई। खून ज्यादा बहेगा भाई। हथियार चेंज कर दो। बताओ, जल्दी बताओ। कंट्रोल भाई, कंट्रोल। हर बार पैसा लेते हो, कभी भी इस मंदिर को इतनी खूबसूरती से सजाया क्या? बेवकूफ। चाचा जी, आरती लीजिए। भाई हाँ। आरती ले लो। हाँ हाँ हाँ। ये लेने के लिए नहीं, पकड़ने को दे रही हूँ। चाचा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसकी नाटक की तो भाई, भाई कंट्रोल। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। देखो बेटी, हमारे गांव के लोग सीधे सीधे आकर बड़ी ही सावधानी से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आज दुर्गा माता के लिए इतना अच्छे से सजाकर अर्चना और अभिषेक कभी भी नहीं किया है। आज से आरती रोज मैं ही करूंगी चाचा जी। बस, बहुत अच्छी लड़की हो तुम। भाई, आज से इस लड़की को कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। किसी ने भी कुछ गड़बड़ किया तो उसे मार डालूंगा मैं। ए, इसको ले जाकर गेस्ट हाउस में डाल दो। जाओ। बेटा, तुम घर चलो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अरे ये देख, दिव्या तुम्हारे लिए आ रही है। भगवान की कसम खा के बोल रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमको अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो तुम बोलो, मैं मर जाऊंगी। अब तक तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पसंद भी करता था, पर ये बात सुनकर वो प्यार भी खत्म हो गया। सॉरी सॉरी, दोबारा कभी ऐसा नहीं कहूंगी। अरे फूल, इंसान बात करते हैं, जानवर झगड़ा करते हैं,
बात करना चाहिए ना। चलो चुप। अब मेरा क्या होगा? मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? अभी वो कृष्णवेणी क्या कर रही होगी? ये सब क्या है? क्या हुआ, तुम इतने सीरियस क्यों हो? कैसा अच्छा लगा ना? गुस्सा आ रहा है मुझे। तुम जब फिर से चली गई थी तो वापस क्यों आई? मैं कितना हैप्पी फील कर रहा था। तुमको छोड़कर मैं चली जाऊंगी ये तुमने कैसे सोच लिया? तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ लिंक है, ऐसा मेरा सेवेंथ सेंस बोल रहा है। सच छोड़ो, मुझे प्यार करो। छे, जा यहाँ से। कल तक तो हो जाना चाहिए। ओके भाई। मैटर क्या है? इस गांव में टोटल कितने घर है भाई? चोरी करना है क्या? है? नहीं नहीं, जनरल नॉलेज के लिए। ओ, जनरल नॉलेज। और खिड़की कितनी होंगी? मतलब चोरी करने के लिए ही ना। चुप करो ना भाई, हम चोर नहीं, आपको कल ही पता चल गया ना। इस गांव में आने के लिए टोटल कितने रास्ते भाई? बहुत रास्ते हैं। कितने भी रास्ते हो लेकिन तुम्हारे लिए एक ही रास्ता। कौन सा रास्ता भाई? नो रास्ता। मुंह बंद कर, जाके सो जा। चल छे, जा रहा हूँ। क्या करूं? छे, सब यहीं खड़े, अब क्या करूं? क्या खुल नहीं रहा क्या? क्या मैं हेल्प करूं? हवा आने के लिए कहीं से भी हवा नहीं आनी चाहिए, इसीलिए ही यहाँ मैं और प्रवीण दो लोग हैं। तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। चिल्ला रही हो तुम? ये जो बदमाश है ना, मेरा रेप करने का ट्राई कर रहा है। तुम तो शादी करने के लिए कमिट हो ना बेटी, इसमें गलत क्या है? बिना मर्जी से बीवी पर हाथ डालना भी गलत है। करेक्ट टाइम पे पकड़े गए हो तुम। सर ये लड़की पागल जैसी बातें कर रही है, मैंने इसके बारे में वो नहीं सोचा था। फिर क्या सोच के आए थे? तेरी तो क्या देख रहे हो, सच सच बोलो, इधर से काट दूंगा उधर जाकर गिरेगी गर्दन। वो मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ यही बताने के लिए गया था। हाँ, वर्कआउट हो गया। प्यार किया है तो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी होगा अब शादी के बाद ही होगा। इसकी स्पीड देखकर लगता है कुछ करने वाला है। तुम्हारा इधर रुकना सही नहीं है बेटा, मेरे साथ। मारूं क्या? सब कुछ करने के बाद देखो कैसे मासूमों की तरह सो रहा है बदमाश। हाय वाय, कुछ नहीं, मेंटल हो रहा हूँ मैं, इसलिए तुमको बुला के ये पार्टी दे रहा हूँ। जब भी तुम्हें कोई परेशानी होती है तो मुझे यहाँ बुलाकर ऐसी पार्टी देकर सब भूल जाते हो, इसीलिए तो तुम हमेशा दुखी रहते हो। वो दुख मुझे ही मिटाना है, इसीलिए प्रार्थना करता हूँ। हेलो, फालतू की शादी का हिंदुस्तानी बैंड है क्या? ऐसा कुछ नहीं करोगे तो भूख नहीं मिटेगी तुम्हारी। तुम्हारी दारू पार्टी किसको चाहिए बे? पीसी दे दो तो काफी है। ए, किसको बोल रहे हो, क्या बात हो रही है? आपको नहीं सर, और भी गधे हैं उनको बोल रहा हूँ। ओहो, इंसान बहुत सारे सपने देखता है, उठकर देखता है तो पता चलता है मच्छर काट रहा है। ऐसे सपने मत देखा करो, हकीकत में जियो। उस लड़की की हैसियत पता है और अपनी रेंज देखो।
बेकार का नाटक मत करो। तुमको एक बात बताऊं, बेवकूफ आदमियों की शादी रात से सुबह तक चलती है। ये बताओ, वो लड़की तुम्हारे साथ रहना चाहती थी क्या? नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए तो वो लड़की भाग गई। अब उसके लिए परेशान मत हो। ओके बॉस, मुझे अर्जेंट काम है, मैं चलता हूँ। एए, वकील को बदलो। ठीक है भाई। ये बताओ, हमारे गांव का हाल क्या है? कोई समस्या है क्या? नहीं है सर। ठीक है, ये गांव वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं? के लिए आप ही भगवान हो सर। भाई, 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 बहुत गलत हो गया भाई। क्या हुआ? हमारे गांव के पानी के टैंक में गंदगी के कारण पानी खराब हो गया भाई, अब क्या करें? उस पानी को पिएंगे तो हमारे गांव वाले सब मर जाएंगे। इसीलिए तो भाई टैंक क्लीन करके दवाई डाल दूंगा। श्रीनु को अर्जेंट में 5,000 रुपए दे दीजिए। भाई वो टंकी जो है आपके दिल जैसी बहुत विशाल है। ये सर, श्रीनु को 1,00,000 रुपए दे दो। हाँ। भाई अब सच में भगवान हो भाई, 2 दिन का मेंटेनेंस हो गया। चाचा जी, चाचा जी। क्या हुआ? क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? इसने मुझे जब मैं सो रही थी मंगलसूत्र पहना दिया। तेरी तो। अरे आप रुको सर। सच सच बताओ, नहीं तो सारी की सारी बाहर निकाल दूंगा। अतड़ी। उस दिन भी ऐसे ही आपने इतनी बड़ी तलवार दिखाई तो मैंने झूठ बोल दिया था। आप सच बता दो। मेरा नाम उदय, अगर आपको पता करना है मैं कौन हूँ तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उस पे फोन करिए, आपको पता चलेगा उदय कौन है। अच्छा है, अच्छा है। हेलो। हेलो कौन? मैं वेंगलप्पा गुडम से भैरव नायडू बात कर रहा हूँ। पहचाना नहीं? ये बताओ, उदय नाम के किसी लड़के को जानते हो क्या? हाँ, उदय तो मेरा फ्रेंड है। वो एक लड़की को भगा के लेकर आया है, पता है क्या? क्या? उस लड़की के साथ उसने शादी भी की है, तुम्हें पता है क्या? क्या उदय की शादी हो रही है? पता है क्या? हाँ? सुहागरात भी हो गया। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ भाई? अरे वो तो कुछ अलग ही बात कर रहा है। ये लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं ना, खाम खा इनके चक्कर में पड़े हैं। इसके गांव चलकर देखते हैं, चलो सारे के सारे लोग। क्या उदय शादी और सुहागरात बोल रहे हो? क्या हुआ? ये उदय कितना कमीना निकला यार, बोलता था कृष्ण वेली मेरी जान है, मेरी देवता है, मैं उसी से शादी करूंगा। और आज हरी की होने वाली बीवी शैलजा के साथ शादी करके सुहागरात भी मना लिया उसने। हाँ क्या, मैं भले कितनी लड़कियों के साथ में घूम लूं, लेकिन दिव्या के साथ शादी करना ही सही है। मैं भी वेंगलप्पा गुडम जाऊंगा तो मेरी भी शादी करवा देंगे। तुम लोग इधर क्यों आए हो? पहले जाओ ना यहाँ से। एक काम करो, तुम चुपचाप अपने घर चली जाओ। चलो। हाँ। सुनो, तुम्हारी शादी हो गई है, सबको मालूम हो गया है, तुम गाँव मत आना, यही सही रहेगा। इनको उधर देखो। क्या हुआ भाई? फोन है। फोन? हेलो, हमारा काम हो जाएगा भाई, अच्छा हो या बुरा हो, कल सुबह तक हमारे काम के बीच हो ही नहीं आने वाला है भाई, क्योंकि पानी के टैंक में हमने नशे की दवा मिला दिया भाई। क्या बे? बैग मिला दिया है भाई। काम खत्म होने के बाद फोन करूंगा भाई, ठीक है भाई? चलो ठीक है, लेकिन इतनी रात को मंदिर क्यों जा रहे हैं? पूजा करने के लिए जा रहे होंगे। आधी रात में मंदिर में पूजा कौन करता है? तो फिर चोरी करने आए। इसके लिए राड क्यों भाई, हाथ से निकालते हैं। ए! कौन हो तुम लोग? Ah!
हमें मारा और पेड़ से बांध कर जा रहे हैं। सुना है फिल्म बहुत अच्छी है, तो टिकट क्या मिलेगा हमको? अरे इसने बाइक फिर रोक दी। अरे यहाँ रुक गया, जहाँ कहीं भी मंदिर देखता है वहीं रुक जाता है। हे भगवान, उदय जहाँ भी हो वो खुश रहे और मेरे सारे फ्रेंड्स भी खुश रहे। अरे चलो जय भगवान, आ जाओ जय भगवान। वो उदय इतना बड़ा काम किया है, आपको जो करना है वो करो। मालिक मालिक, आपने मेरी बेटी का नाम लिखवा कर पढ़ाई करने के लिए मदद किया है, लेकिन उसने उदय से प्यार करके धोखा देकर मर गई है। मालिक मर गई क्या? हाँ सर। देखो तुम्हारी बेटी देश या इस गांव के लिए नहीं मरी है, समझ गए क्या? अगर वो तुम्हारे बारे में सोचती तो ऐसा पागलपन नहीं होता। हाँ मालिक। देखो अब तुम्हारी बेटी तो वापस नहीं आ सकती, मैं उसकी याद में 5 एकड़ जमीन दे दूंगा तुम्हें। सर आप तो भगवान हैं। जैकपॉट मिला है, जाके एंजॉय करो। पागल जैसी बात मत करो, जो हुआ उसमें तुम्हारी भी गलती है। शैलजा को तुमने भी कंट्रोल में नहीं रखा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कृष्णवेणी को शादी के नाम पर धोखा देने वाले उदय को मैं इस गांव से बाहर निकालने का वचन देता हूं। आप लोग ऐसा करोगे, यही सोचकर उदय शैलजा दूसरे गांव में रह रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं कोई बात नहीं है सर, हम भी कोई गलती नहीं करेंगे यही सोच रहा हूं। तुम लोग के साथ भी यही हश्र होगा। Hey, चलो चलो जल्दी जल्दी। जल्दी चलो, फास्ट 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 फास्ट, दिख नहीं रहे। इस टेंशन में भी मुझे बहुत खुशी हो रही है, पता है क्यों? ए, रुको, कौन हो तुम लोग? इधर आओ, आ जा इधर। कहाँ दौड़ रहे थे तुम लोग? हम दौड़ नहीं रहे हैं, घर से भाग रहे हैं। ए, ये क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ, घर से भाग रहे थे तुम? ने कहा हरी तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, उससे बचाने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूं। पागलों जैसी बात मत करो, बचपन से जो हम साथ में खेल खेल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, वो हनुमान मंदिर में किया हुआ वादा, क्या वो भी भूल गए तुम? इंस्पेक्टर साहब यकीन मत कीजिए इसका, ये लड़की मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। बचपन में मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुमने सर हिला के हाँ कहा था ना, अब ऐसे क्यों बोल रहे हो? छिछी, आप सब मर्द एक जैसे होते हो। मतलब उदय के साथ भी इसकी बहन ने कुछ ऐसे ही किया होगा। क्यों बे, मैं क्या तुम लोगों को पागल दिख रहा हूँ क्या? हा? मेरे सामने जो ड्रामा कर रहे हो, तुम दोनों को एक ही बुलेट से शूट कर दूंगा। जल्दी बताओ, बताओ जल्दी बताओ, तुम लोग कौन हो, तुम्हारी कहानी क्या है? जल्दी बताओ, तुम्हारे गांव की कहानी क्या है? जल्दी बताओ। सर हमें जो भी पता होगा सब बता देंगे, नहीं पता होगा वो तुम भी बताओ। आपको जल्दी बताओ। बताता हूँ सर। क्या बात है, कोई भी नहीं आ रहा है। Hey, चेहरे पे फोकस करो। देखो भाई, इस गांव के प्रेसिडेंट इस गांव की अच्छाई के लिए कुछ कर रहे हैं, क्या आपको कुछ पता है इस बारे में? थोड़ा बताओगे? हाँ। अरे उधर कैमरा कर। 150,000 में अगर 12,000 मिलाएंगे तो कितना हो गया बताइए? 162,000 सर। सही है, 162,000 में 9,000 मिला देंगे तो कितना? 171,000 सर। 171,000 सर। हाँ, 171,000 इंटू 3,70,697 कितना होता है बताइए? ये कहाँ गया भाई? भैया मैंने गांव के सुधार के बारे में पूछा। अरे उसको बताने के बजाय आप ये क्या गोल गोल घुमा रहे हो, बेचारा नीचे गिर पड़ा है। मैं भाई नहीं हूँ, बिजनेसमैन हूँ। मैं अपना व्यापार करता हूँ, तुम अपना करते हो। तुमने पैसा दिया तो मैं माल बेचूंगा, तुम्हें क्या चाहिए? अरे हमको छोड़ दो भाई। अरे क्यों छोड़ दें, अपना व्यापार छोड़ के किसी और का इतिहास क्यों बताऊंगा मैं यहाँ बैठकर, पागल हूँ क्या? चलो जाओ यहाँ से। मंगा चलो। अरे है वे कन्ना, आखिर ये लत हमें क्यों लग गई? हाँ घर के लोग और बाहर के लोग सब मिलके डांट रहे हैं। अच्छा, ये हमारी गलती नहीं है, देवता के काल से ही चला आ रहा है। मैंने अगर 2 पैक पी लिया तो मार डालता हूँ। अब तो मैंने 4 पैक पिए हैं, अगर तुम लोग चुप रहे हुए तो तुम दोनों को मार डालूंगा, समझे? अरे तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? हिम्मत?
वो तो उधार लेने से और दारू पीने से आती है, इतना भी नहीं पता है क्या तुझको? आज से दारू पीना बंद करने की सोच रहा हूँ मैं। ऐसा बोलेगा? वो तो मैं भी पीता। अरे बिल्कुल सही कहा भाई, जो नहीं पीता है वो नालायक है, वो बेवकूफ है, वो कुछ नहीं कर सकता। हेलो, सुपर है। आप लोग क्या वो ब्लू फिल्में बनाते हो क्या? ब्लू, रेड, व्हाइट, येलो, जो चाहिए वो बनाते हैं। दारू पीने के बाद सच बोलते हैं ना? आपके गांव के बारे में थोड़ा सच बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे तो दो डाउट है। डाउट है? वो तुमने तो बता दिया, हमारे गांव का ही नहीं पड़ोस के गांव का भी सच बता दूंगा। क्या है वो? यही कि दारू पीना अच्छी आदत है या नहीं है। अच्छा नहीं है ये? तुमने जो बोला वो गलत है। दारू पीने की आदत अच्छी है, क्योंकि दारू पीने वाला अपनी तबीयत को खुद खराब कर लेता है। और जो नहीं पीता वो खतरनाक होता है, क्योंकि वो दूसरों को खराब कर देता है। बहुत अच्छा बताया तूने। वो जो लोग पीते हैं बुढ़े नहीं होते हैं? मतलब हम लोग बुढ़े होने से पहले ही मर जाएंगे? अरे हमको मरना होगा तो हम मर जाएंगे तुमसे क्या? कौवे जैसी जिंदगी हमको 90 साल तक नहीं चाहिए, समझे ना तुम? जाओ यहाँ से। फिर तो कैसे भी जी लो, चलो चलो। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? दूसरा डाउट क्लियर नहीं करोगे क्या? दूसरा डाउट क्या है बोलो? ये बताओ, हम में और बच्चों में क्या फर्क होता है? अच्छा, छोटे बच्चे बहुत सुंदर और प्यारे प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे से खेलते हैं, कूदते हैं और बिना किसी गलत सोच के होते हैं। और तुम्हारे बारे में बोलूं तो मौत को मुंह पे लगा के एज और गेज ज्यादा होने के बाद ऐसे ही दारू की शॉप पे घूमते हैं, यही फर्क है। ये मुझे दे। माँ मुझे कुछ चाहिए। माँ माँ ये लो खा लो। माँ मुझे कुछ चाहिए। दे दो इसको यार, नहीं तो मुझे खा जाएगा ये। अब समझ में आया क्या? फुल दारू पीने के बाद एक छोटा बच्चा और छोटा बन सकता है। अब तुम कैसा बदलने के लिए सोच रहे हो? इधर रहूंगा तो कैसे बदलने वाला हूँ मुझे पता नहीं। मरो तुम यहाँ पे। ए, चलो चलो। इस तरह। देखो भाग रहा है। इस गांव के विकास के बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा है, कोई बेवकूफ मिला तो अच्छा होगा। ये लो पकड़ो। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, इस गांव के बारे में और इस गांव के सुधार के बारे में कोई कुछ भी नहीं बताएगा। हाँ, क्योंकि ये बेवकूफों को इतना जनरल नॉलेज नहीं आती है ना। लेकिन आप कौन हैं? बताया ना बेवकूफ है। हेलो, एक्सक्यूज मी, FP हूँ। मतलब फ्यूचर प्रेसिडेंट। आपके फ्यूचर के बारे में हम क्यों सर? गांव के सुधार के बारे में बताइए। आपको बोर होने तक बताऊंगा ना, लेकिन एक शर्त है। क्या है? आप कौन लोग हैं? हम लोग एक चैनल से आए हैं सर। नहीं, हमारे गांव के अतिथि हो और आपको हमारी मेहमान नवाजी स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब आपके घर चिकन बिरयानी। हेलो, स्टार होटल में। क्या स्टार होटल भी है? सर्वमणि का है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सर सर्वमणि इडली भी बनाती है। तुमने गलत सुना ना? मैंने यही उम्मीद की थी। और आपके बीच में डोसा। हे, कस्टमर को बिल देते वक्त ऐसे चिल्लाने से मना किया है ना? देखो ये सब कुछ हमारा ही है, चलो। आओ, ये सब अपना ही है। क्या सर्वम क्या है? उधार के अलावा सब कुछ है। ए, बाहर के लोगों के सामने इज्जत मत निकाल। उसके लिए मुझे शॉप बंद करना है क्या? ए, तेरी तो तेरे पैसे दो दिन में दे दूंगा ना। अरे क्या चाहिए देखो ना। ये है सर्वमणि। समझ में आया, तुम शकीरा और महमूद खान जैसी हॉट हो। अरे उधर देखो। चलिए चलिए, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं, आप लोग जाके उस कार्नर में बैठो। हाँ जाओ। इस लड़की का कौन सा काम है? उस लड़की के पापा का किचन शॉप है, तुमको काट डालेगा। अरे मेरे मामा की भी है चिकन शॉप। हेलो, अपना मुंह बंद कर लो, शर्ट गीली हो रही है। नहीं हो रहा। खाओ। इनको भी जो भी चाहिए वो पूछो ना। कुछ भी मांगू तो दोगी क्या? मांग कर तो देखो। मुझे एक बार दे दो। हे किट्टू, तलवार तैयार करके लाओ। हे किट्टू, तुम रुक जाओ। अरे इनके लिए भी टिफिन लेकर आओ ना। हे किट्टू, इनके लिए जो आज इडली बनाया है वो भी लेकर आओ। मतलब आज का नहीं है क्या? उधार लोगे तो ऐसा ही मिलेगा। समझ में आ गया। मेरे लिए दो,
बड़ा बड़ा लेके आओ। तो क्या अपना सारा नाटक तुम मुझे दिखाओगे? तुम्हें क्या लग रहा कि तुम्हारी डबल मीनिंग बातें मुझे समझ नहीं आ रही? एक मुक्का दूंगी तो यही मर जाओगे। रुको अभी बताती हूँ तुझे। अरे वो खर्चों दे कब से बेच रही हो, मुझे बताया क्यों नहीं? भागो यहाँ से। अरे भागो, कहाँ भागोगे? अरे टीवी वालों निकालो निकालो। निकाल रही हूँ निकाल रही हूँ। पागल हो गई क्या? अरे मंगा मैं चाकू निकालने के लिए बोल रहा हूँ। सर इनको कैसे पता चलेगा? सर वो आ रही वो निकाल देगी ना। अरे अरे बेकार जिंदगी, क्या घुसा दिया, बहुत गड्ढा हो गया है। कौन हो तुम? हे मंगा, हे रंगा, ये भी अलग है और ये गाँव भी अलग है। किसका फोन बज रहा है? इधर दो। हेलो, कौन बात कर रहा है? हे, विनय का फोन लेके पूछ रहे हो कि कौन हो? तुम कौन हो? नाम तो बताओ। मुझे एसआई वेणुगोपाल बोलते हैं जी। सर सर सॉरी सर, विनय के फोन से बात किया ना इसलिए पहचान नहीं पाए। तुम कहाँ से बात कर रहे हो? वेंकटपुरम से सर। सर सर एक रिक्वेस्ट है सर, हमारा विनय भी क्या कर रहा है? गांव के रास्ते के बीच में तुम्हारे विनय की शादी करवा रहे हैं ना? क्या शादी करवा रहे हो क्या? क्यों बे, तुम वेंकटपुरम से हो क्या? हाँ सर, क्या आपको मेरा गांव पता है? पता पूछा तो थोड़ा पता है। वो एक दिन क्यों बे, जल्दी आने को कहा तो इतना लेट आए? सर जल्दी आ गए सर। क्यों बे, आ गए हो क्या? भैया 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 क्या बे? मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे लिए सब कुछ मेरा भैया ही है, इसलिए ऐसा चिल्लाया। ओ, ये बात है क्या? हाथ में ये जग क्यों है? दूध पीने से मेरा रंग खिलेगा ऐसा मेरे भैया ने कहा सर। तुमको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रंग तो मैं बदल दूंगा। हाँ पहले भैया कहकर चिल्ला रहे थे, अब मम्मी पापा कहकर चिल्लाओ। गलती से ऐसा चिल्लाया सर। मार डालूंगा नहीं तो मुंह बंद कर ले। क्यों बे, तुम्हारे गांव पुलिस को आना नहीं चाहिए क्या? गलती पकड़ी गई है, तुम्हारे गांव के अंदर आ करके तुम्हारे बारे में और तुम्हारे गांव के बारे में साफ देख। पापा, माँ एक तरफ और पापा एक तरफ बोलकर चिल्ला रहे हो क्या? उसकी माँ पीछे की गली में और पापा आगे की गली में रहते हैं सर, इसलिए ऐसा चिल्लाया सर। माँ पीछे की गली में और पापा आगे की गली में रहते हैं, तो तुम कैसे पैदा हो गए? पैदा होने के बाद माँ और पापा अलग हो गए हैं सर। तुम्हारे माँ और पापा के बारे में मुझे क्यों? उस लड़की को आने दो, बाद में बताता हूँ। आने दो। आपने जिस लड़की के बारे में पूछा था वो आ रही है, वो लड़की आ रही है सर। ये लड़की तो देखने में, तुम्हारा नाम क्या है? श्रीदेवी। ओहो देखूं तो, क्यों वो दोनों तुम्हारा पीछा कर रहे थे ना? क्या है? बस वो बात काफी है। कांस्टेबल इन दोनों को जीप में डालो। रेप रेप कहाँ कैसे हुआ पता लगाना है। अरे दो दो रेप हुआ? दो दो रेप नहीं, ये दोनों मिलकर तुम्हारा रेप किए थे ना, उसके बारे में पता लगाना है। हेलो एसआई जी, ये लोग मेरा पीछा कर रहे थे, रेप किया ऐसा बोला क्या मैंने? ये ट्विस्ट क्या है? इधर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मुझे पता लगाना है, पता लगाना है। Yeah! Yeah! आज तो तुम्हारा हमारे हाथों से रेप होना है। चलो चलो भाग रही है। अरे कहाँ गई? इसे बच के कहाँ जाओगी? दौड़ो पकड़ो। कहाँ चली गई? दिख नहीं रही है। हाँ देखते हैं। इधर ही थी, इधर ही होगी। हाँ इधर चलो। कहाँ भागोगी तुम? मेरा नाम सुनकर गर्भ में बच्चे भी डरते हैं। भाग रही थी, हम लोगों से तुम भाग नहीं पाओगी। देखो तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। गिच गिच गिन जा, गिच गिच गिन जा, पूछ पूछ पूछ, गिच गिच गिन जा, गिच गिच गिन जा, पूछ पूछ पूछ। तुम मेरा रेप करने वाले हो? तुम कितना भी चिल्लाओ, कुछ भी करो, मैं तो तुम्हारा रेप करूंगा। अरे जल्दी करो, लाइव रेप देखना चाहता हूँ। मेरी इस जन्म में शादी नहीं होगी ये सोचकर रेप करने वाला हूँ, उसके बाद शादी करूंगा। अभी तुम लाइव देखना चाह रहे हो क्या? ओ, इसका प्लान ये है, बताती हूँ रुको। हेल्प हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ मुझे। तुम यहाँ पर कितना भी चिल्ला लो, तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है, कोई भी नहीं। हेलो पुलिस स्टेशन,
कोई भी नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं आएगा? नहीं आएंगे। बिना वजह ही चिल्ला दिया, एनर्जी वेस्ट हो गई। ठीक है, कैश डाउन कैरी ऑन। क्या? अरे ट्यूबलाइट, जो मुझे चाहिए वो कैश है और जो तुमको चाहिए पैसा दो और काम करो। मतलब तुम वो टाइप की हो क्या? वो टाइप की हो तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छी लड़की ही चाहिए। मैं अच्छी लड़की हूँ ऐसा बोर्ड पर लिख कर अपने गले में टांग के घूमू क्या? जाके उनको ट्राई करो, जाओ पागल कहीं के। ओए, आदि को कमजोर मत सोचो, वो चाकू जैसा है, उसे कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज क्या है, जाओ बे। लड़की को कैसे पटाना है पता ही नहीं है, इसका नाम सुनकर गर्भ में बच्चा डरेगा क्या? छे, छे, सब पानी फिर गया। इसके चेहरे के लिए वो विग चाहिए क्या? ओहो, ऐसा हुआ क्या? कुछ भी हो, इन लोगों ने जो किया है वो गलत किया है। अटेम्प्ट टू रेप केस में दोनों को अरेस्ट करना चाहिए। कांस्टेबल, इन दोनों को अरेस्ट करो, जेब में डालो। एक मिनट, एसपी साहब। हेलो, नमस्ते सर। मेरे को बल कहाँ हूँ? वेंकटपुरम में हूँ सर इस समय। वहाँ पर क्या कर रहे हो? इधर एक कांड हुआ है सर, उसी का सबूत रखने के लिए, शेषाद्री के नियम को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ सर। इतना पीछे नहीं आए ना, तो मैं खुद ब्रेक लगाने के लिए वहाँ आऊंगा। सर ऐसा मत करो, मैं आ ही रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर, फोन रखता हूँ। किसी भी तरह से एक गलती को पकड़ करके शेषाद्री रूल्स को ब्रेक करके गाँव में एंट्री करने के लिए सोचा तो नहीं हुआ? जेब स्टार्ट करो, चलो। अरे बाप रे, हम बच गए भाई। सर आपके आने के बाद से मुखिया जी ने हमें बहुत परेशान किया है सर। फिर कैसे लिया है, पूरी कहानी बताओ। छे, तुम लोगों को डांटते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। बोलने के बाद करने वाला इंसान पहले करने वाला भगवान, जो बोलने के बाद भी ना करेगा। सच है सर। छे, कैसे इंसान हो तुम लोग, गांव की इज्जत खराब कर रहे हो। अरे जानवर भी तुम लोगों जैसा नहीं करते, रहना है तो इंसानों की तरह रहो। किस गलती के लिए आप हमें इतना डांट रहे हैं सर? उस लड़की को रेप करने का आईडिया आदि को किसने दिया? मैंने दिया सर, मैंने। काट डालूंगा कमीने, मैंने दिया, कितना गर्व से बोल रहा है, मारूंगा एक बस। कोई भी लड़की इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, रेप करेगा तो शादी करवाएंगे, ऐसा विनय ने कहा तो क्या गलत है क्या? इसीलिए ऐसा किया। ए, क्या गलत, सही के चक्कर में पड़ा है तू। तुमने जो गलत किया उसकी वजह से पुलिस आ गई गाँव में, तुम लोग को छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी बात है। लगता है आपका कोई फ्रेंड नहीं है, इसीलिए सजा देकर गाँव से भगाते हैं। आपको दोस्ती की वैल्यू पता नहीं है। मारूंगा एक तुझे, अनपढ़ बेकार, जब देखो आवारा की तरह घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ। डैडी, आज लक्ष्मी गाना प्ले करो ना। आज तुमको इतना अच्छा ज्ञान कैसे आ गया? सुमन सवंदी डैडी, ये गाना नहीं, रगड़ा सिनेमा की गाना अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, वो गाना प्ले कर। मुझे लगा था कि माँ ऐसी है तो बेटी कैसी होगी, बेकार दिमाग तुम लोगों का। मुझे जब तक डांटोगे नहीं तब तक तो तुम्हें नींद नहीं आएगी ना, है पागल। अरे तुमने माथे पे बिंदी क्यों नहीं लगाया? जब तुम बिंदी लगाती हो तो बड़ी खूबसूरत लगती हो। अब दिखाई दी इसकी बिंदी? जब इसकी बिंदी देखनी हो तो तुम इसका इस्तेमाल किया करो, लो पकड़ो। हर बार कुछ भी बोलते हो क्या, वो सीता महालक्ष्मी जैसी है। हे, तुम्हारी बचपन की लवर सीता आई है। अरे हाँ, ये तो सीता है। हे, तेरी बचपन की लवर आ गई है। मैं उसके लिए आई हूँ तो ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुमको क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आदि मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। क्या है पूछती हूँ, इसे कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं प्रवीण के लिए आई हूँ। अब इतना खुश मत हो, उधर देखो। मम्मी! क्या तुम्हारी शादी हो गई क्या? हाँ। इलाज करा लो, इलाज करा लो जी, इलाज करा लो, इलाज करा लो जी, इलाज करा लो। बेसुरा धुन बंद करो। ये लो जी, आप कॉफी पी लो, कॉफी पी लो जी। डैडी, आप हर रोज इंग्लिश पेपर पढ़ते हो ना, इससे क्या एलर्जी है क्या?
ये कहाँ पढ़ते हैं? तुमको लगता है क्या कि इनको इंग्लिश आएगी? ये सब तो बस पेशेंट को दिखाने के लिए दिखावा है। पेशेंट नहीं है तो मक्खी मारने के लिए, बाद में वो पेपर रद्दी वाले को बेच देने के लिए इस्तेमाल होता है। हो गया तुम्हारा, मेरे बारे में तुम्हें सिर्फ उतना ही पता है। ये हाँ, इंग्लिश पेपर पढ़ने से इंटरनेशनल में क्या क्या चल रहा है हमें सब पता चलता है। तुम और हम जैसे गरीब लोगों को भला देश और विदेश में क्या हो रहा है, राज्य और जिलों में क्या हो रहा है, उससे क्या लेना देना। जो काम कर रहे हैं वो ठीक से करें, वो काफी है। तुम्हारे जैसे लोग एक दिन में काम करके बेफिजूल की बहुत सारी बातें करते हैं। तुम भी सुन रही हो ना, अब ये बेकार की बातें बंद करके अंदर जाके खाना खा लो। कोई काम नहीं है, इसीलिए तो चिल्ला रही हूं। तुम कुछ करना मत, पेशेंट आ रहा है मेरा, चिकन बिरयानी लेकर आता हूँ। ये सब भी ऐसे खांसने से अच्छा है मेरे पास आके दवाई ले ले तो खांसी कम हो जाएगी। मेरे पास खांसी कम करने की, बुखार कम करने की सारी दवाइयाँ रहती है। आ जा ले ले दवा, साथ में खून भी बढ़ेगा। तुम्हारी टेबलेट खाने के बाद से मुंह से खून निकलना और बढ़ गया है। ऐसा हो गया है कि अगर तुम्हारी टेबलेट और खाई तो मर ही जाऊंगा। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो। ये पागल हो गया लग रहा है। सब ऐसे ही लोग आते, सुबह से अभी तक कोई भी अच्छा मरीज नहीं आया है। वो गया था, एक और आ जाएगा। तुम टेंशन क्या लेते हो? आप दोनों कुछ भी करके मरीजों को बुलाना चाहते हो, लेकिन आप दोनों गरीबों का पैसा खा रहे हो और बीमारी ठीक नहीं होती। हाय अंकल, कैसे हो? तुम्हारी आंटी की वजह से मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आप लोग क्यों आए हो? लड़के ने कल से टॉयलेट नहीं किया है, इसका पेट भी। हाँ, उधर टेबल पे लिटा दो, पीछे से इधर एक उधर और एक इधर इंजेक्शन लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, और आगे से पेशाब कैसे नहीं करेगा वो मैं देख लूंगा। चैलेंज, बच्चे को डराओ बच्ची। देखो कितने अच्छे से, अदरा कितना प्यारा बच्चा है। आ जा बेटा, दादी के पास चला जा, ये लो। क्या बात है, क्या बात है। ये क्या है? ये लो। बहुत धन्यवाद अंकल, बिना ट्रीटमेंट के ही इसका पेट ठीक कर दिया। मेरा 100 रुपया गया। अब मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, मैं घर जा रही हूँ अपने। अब ये बुढ़ी के मरने तक मैं नहीं आऊंगी। ए, तुम कितनी बार बाहर गई हो, कितनी बार अंदर आई हो, जाओ ना यहाँ से। अब तुम दोनों अकेले रहो, मैं चली। हाँ जाओ, जा रही है, बुलाओ ना। अरे जाने दो उसको। अरे आप परेशान मत हो, माँ तो किसी की बात सुनती नहीं है, कौन समझाए। मेरा पोता है तो मुझे दुख क्यों होगा। वो सारी बातें छोड़ो, वो नारायण की बेटी इसे ऐसे घूर घूर कर देख रही थी, दोनों में प्यार वैर है क्या? मेरा सोना बेटा। हे विनय, ये जिंदगी कितनी बोरिंग है यार, पैसे के अलावा मेरी जिंदगी में कोई खुशी है ही नहीं। अरे दिल में जो दुख है हमसे बताओ ना, ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? जब तक बताओगे नहीं तो मालूम कैसे होगा? आखिर बात क्या है बताओ ना। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? मुझसे मिलने के लिए मेरा रिश्तेदार आया है, उसके साथ दारू पीने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं। पीने के लिए पैसे नहीं दूंगा, खाने के लिए चाहे जितने पैसे ले लो। मुझे तो दारू ही चाहिए, तुम दोगे कि नहीं? अरे आदि छोड़ो, अरे कहाँ जा रहे हो? तो पार्टी लिए बिना ये मानेगा नहीं। चीयर। चीयर। ऐसे पिएगा तो मर जाएगा। अरे मौत से डर नहीं लगता क्या? अरे मौत से नहीं डरता हूँ मैं, सबने कहा है दारू पीना शुरू किया तब से हर दिन हर पल डरता हूँ मैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी गांधी जयंती के दिन में दारू नहीं मिलेगी, नहीं मिली तो ये दिल रुक जाएगा, ये सोच कर डरता हूँ। पता है क्या, वैसे मेरी एक इच्छा है, मेरी मौत जब सामने हो तो उस समय ये बोतल मेरे मुँह में होनी चाहिए और चिकन का पीस मेरे हाथ में होना चाहिए। क्या हुआ रे? उधर देख। हाय महा, तुम क्या कर रहे हो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ऋषियों को कामनाएं दबाने से बहुत परेशानी होती है, वो उनके लिए अभिशाप बन जाता है, ये उस परेशानी से बचना चाहते हैं। फिर उनके लिए एक लड़की सेट करके अपने लिए भी तुम एक लड़की देखो। हम जैसे अच्छे लड़के मिल जाते तो तुम उनको कुछ भी बोलने लगती हो। तुम्हारी सोच अच्छी होती तो काम भी अच्छा ही होता। माँ बाप ने बहुत कमाया है ना, तो ये काम क्यों करेंगे? देखो तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ।
तुम्हारी सोच अच्छी होती तो काम भी अच्छा ही होता। एक दिन कितना कीमती होता है पता ही नहीं है इन पागलों को। तुम हमें बहुत कम करके आंक रही हो, बाद में बहुत पछताओगी। तुम सच में मेरे जैसे लोग हो, इसलिए मेरे पापा कितना भी डांटते हैं तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक तुम्हें गांव से नहीं भगाया जाएगा तुम लोग नहीं सुधरोगे। पनिशमेंट नहीं लेंगे और गांव से नहीं जाएंगे, बल्कि तुम्हारे पापा के हाथों से माला पहनकर पूरे गांव के मुँह से अपनी तारीफ करवाएंगे। ओहो सच है क्या? जो होगा वो बताओ। ठीक है, लेकिन आजकल तुम कहाँ जा रहे हो, कब आते हो, क्या कर रहे हो, बताओ। इंसान है तो कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा तुमने अपने प्यार के बारे में अपने पापा को बताया? हम दोनों ने कब प्यार किया है, सपने मत देखो। हे तुमको ही बुला रहा हूँ। हाँ क्या कर रही हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा क्या? ओहो अब ये मजाक करना तुम छोड़ो। अरे ये खाना बनाने के लिए तुम दो लोग और ये दो घंटे टाइम क्यों चाहिए? ये टीवी सीरियल देख करके तुम लोग भी वैसा क्यों कर रही हो? तब से देख रही हूँ, तुम चिल्लाए जा रहे हो। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास नहीं है। नहीं है क्या? अरे देवा आत्मा का दुख सुनोगे क्या? तबीयत ठीक नहीं है, पैसा भी नहीं है, बीवी से कुछ फायदा नहीं है। आप मुझे बचाओगे या फिर आत्मा को मारोगे? हाँ अरे ये नहीं वो नहीं, अरे पूजा तो कर रहा हूँ ना, जाओ। अपना ये नाटक करना बंद करो, पैसे नहीं है। करोड़पति मेरे जीजा जी की एकलौती बहन हो तुम, पैसा नहीं है बोलने के लिए शर्म नहीं आती? नाम सुगना है लेकिन सब कुछ बुरी आदतें। अरे जीजा जी आपके बारे में ही बात कर रहा था। बस करो, मेरी बहन की जिंदगी में श्राप बनकर आए हो, ऐसे क्यों सता रहे हो उसको तुम? घर के दामाद को अकेला आना चाहिए था, पूरा कुनबा लेकर आ जाते हो तुम, क्या है ये सब? अरे मजाक बंद करिए, मैं और छोटू बाबू ही आए हैं ना। छोटू है, इतना बड़ा हो गया? अच्छी बात है। सुबह फिश बिरयानी, दोपहर में मटन बिरयानी, शाम को चिकन बिरयानी, रात को झींगा बिरयानी, 10 लोगों का खाना अकेले ही खा जाता है ये। उसको खिलाने के चक्कर में और तुम्हारी जरूरत पूरी करने के चक्कर में मेरी बहन पिस रही है। ओहो आपका पैसा खर्च कर रहे हैं क्या? ऐसा दुख हो रहा है क्या जीजा जी? अरे अरे ये यहाँ के दादा हैं, ऐसा फील कर रहे हैं। वो उसका छोटा बेटा मर गया है। क्या हुआ? नारायण की बीवी रो क्यों रही है? क्या बताऊं मैं तुम्हें, जाओ जाकर देखो। बताओ? जाओ ना जाकर देखो। हाँ ठीक है, मेरी समझ में आ गया, तुम मत बताओ। वो गंगना क्या पूछ रहा है? क्या हुआ पूछ रहा था, ये सब मर्दों को कैसे बता सकते हैं भला? मेरे जीजा जी को कितना भी मार दे दो उतना ही पैसा आने वाला है। अरे गंगना हाँ? क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? नारायण का छोटा बेटा मर गया है ना। और नारायण का छोटा हाँ? बेटा मतलब आखिरी लड़का? वो बहुत हैंडसम था, बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता था। हाँ? वो मर गया क्या? नहीं है। अरे वो मर गया? अब देखता हूँ नारायण को, नारायण घर में है क्या? ए नारायण, ए नारायण तुम इंसान हो क्या? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुम इंसान हो क्या? तुम हम सबको परेशान करके रखते हो, मेहनत करके तुमने 3 लोगों को पैदा किया है ना। छोटा लड़का मर गया है फिर भी तुम ये दुकान खोल करके बिजनेस करने में लगे हुए हो, तुम इंसान ही हो ना? तेरे मुंह में मेरा बाल, छे छे। लगता है मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। अरे नारायण, ए नारायण, ऐसे क्या देख रहे हो, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे मरने के बाद ही हम अच्छे से जी सकते हैं, हमारी जिंदगी को तो तुमने बर्बाद करके रख दिया है। कमीने कहीं के, तुम्हें तो मैं मार के ही मरूंगी, तुमको तो मैं इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। अरे विनय बेटा एक बार इधर आना। हे भैया, हे भैया। फिर से ये लोग झगड़ा कर रहे हैं यार, हमें क्यों बुलाया बुआ? बुजुर्गों का क्या पेंशन है बेटा? मेरे ख्याल से 1000 रुपए होगा। फिर विधवा का कितना पेंशन है? अरे 1000 हुआ होगा। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रही हो? और किसके लिए? अपने लिए पूछ रही हो। अभी तो गंगना मामा जिंदा है ना? तेरी तो आज तो मैं इसको मारने वाली हूँ ना, इसे तो मैं मार ही दूंगी। ये मर गया तो, ये मर गया तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। अरे क्या हुआ सुरमा जी, मासूम को क्यों मार रही हो? मर जाएगा। अच्छा ये तुम्हें मासूम दिखता है? जवानी के वक्त में सारे गंदे काम करके अब ऐसा शरीफ हो गया है, इसका तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। ऐसी पुरानी बातें याद रख के सताना गलत है ना? पुरानी बातें याद करके मैं नहीं बोल रही हूँ, अब देखो ये कमीना क्या किया है। एक दिन नॉनवेज नहीं मिला है तो इसलिए इसने प्लेट को नीचे फेंक दिया है। अरे छोड़ दो, इसकी अरे तो मैं छोड़ दो, क्या छोड़ूंगी? नहीं क्यों मार रही हो? इसे तो अरे छोड़ दो ना। अरे अरे ये गलत है, एक बच्ची है, उसकी शादी होने वाली है, उसकी शादी तक इसे चुप रहने के लिए कहो। एक शहर से दूसरे शहर जाता है, कभी वहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, वहाँ जाके दारू पीता है, इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। बुआ छोड़ो, इसीलिए मैं घर में नहीं रहता हूँ, वहाँ जा रहा हूँ मैं, आऊंगा नहीं दोबारा घूम के, देख लेना तू, छोड़ूंगा नहीं। तुम चलो। हे
इनका तो रोज का लफड़ा है ना, चलो चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हो। ऐसी बातें नहीं करूँगा, तुम मार देगी। तो मारने दो ना। मार डाल रहे? मारने दो, क्योंकि जब जवानी में सारे गंदे काम करके अब उम्र होने के बाद बीवी बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे और उन्हें रुलाते रहते हैं तो मर ही जाना चाहिए। बुजुर्गों के लिए यही सम्मान है तुम्हारे दिल में? मुझे नहीं है, तुमको है, तो मेरे पापा की बात सुन लो ना। अपने नालायक दोस्तों के लिए तुम क्यों डांट सुनते रहते हो? तुम्हारे पापा कोई नहीं, तुम्हें भी दोस्ती की वैल्यू नहीं पता। एक बात याद रखना, दिल जीतने के लिए किसी से लड़ना नहीं पड़ता, दोस्ती करके दिल जीता जाता है। फिर उनके ही दिल जीतो, मेरे पीछे आना मत। मुझे वो लोग भी चाहिए और तुम भी चाहिए। घर वाली को पीतल का चेन और बाहर वाली को सोने का चेन। क्या कहा? ये सब छोड़ो, दो नाव पे मत सवार हो। देखो माँ, हथियार से ज्यादा खतरनाक गुस्सा होता है। गुस्सा कम करके थोड़ा शांति से सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक, तुम बुद्धिमान मूर्ख हो, चलो। बच्चों के साथ घूम घूम के दिमाग खराब हो गया है। अरे क्या बोल रही है? कभी कहती है कि हम मिले ही कहाँ हैं और कभी कहती है कि छोड़ना मत, पागल हो गई है। हाँ क्या? hey, हमें लड़कियों की इज्जत करना चाहिए ना। इसकी रिश्तेदार है ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। वही दूसरी लड़की होती तो तुम भी कुछ कमेंट करते। हमें अच्छा काम करने के लिए माँ बोलती है, इसलिए माँ के ऊपर हमें थोड़ा सम्मान है। अच्छा जाओ फिर, जाके अच्छा काम करो। hey, बॉबी, इस बार उधार लिया तो छोड़ूंगा नहीं, पहले कर्जा चुकाओ उसके बाद खेलो। एक हजार रुपए का चेंज है क्या? वो आधा फटा हुआ है और पूरा गांव जानता है कि वो डमी नोट है, जो कब से लेकर घूम रहा है। इसको अंदर रख ले और दूसरा नोट निकाल। मैं भाग नहीं रहा हूँ, तुम्हारे जैसे ही नारायण भी दारू छोड़कर पैसा बचाने में लगे हुए हैं। क्या हुआ अब ये बताओ? हार्ट अटैक आया तो डॉक्टर ने हॉस्पिटल में बोला ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ रिपोर्ट लेकर आओ, और इसके बाद 1,90,999 का बिल हुआ था। जमीन खरीदने के लिए 2,00,000 रुपए बचाया था, आखिर में 1 रुपया बचा है, इसलिए सामने वाले को कमाने दो। तुमको क्या परेशानी है भाई? सुना क्या? बोलो। सुनेगा नहीं, क्या करे? अरे तुम तो पत्ते उठाओ ना, क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की बेटी अच्छा काम करने को कह रही है। हमने एम्बुलेंस तैयार किया है लेकिन एक भी मरीज नहीं आ रहा है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? अचानक ही बेहोश हो गए, आरएमपी डॉक्टर के पास। इधर लेकर गया तो मर जाएगा, सिटी लेकर जाओ तो ही बचा पाओगे। आराम से लिटाओ। डरना मत पापा, थोड़ी देर रुकिए, डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। बिल्कुल मत घबराना, हम जा रहे हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरा काम कैसा रहा? सुनो, इतना स्लो क्यों चला रहे हो? अब देखना। पापा, पापा, गिर गए। मर गए क्या? मर गए क्या पापा? क्या? नहीं मर गए, देख लो। अरे ये क्या हो गया? अरे इतना बड़ा अन्याय हो गया। ओ हो, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा इसको? बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं ये पाप नहीं झेल पाऊंगा। हे भगवान, मैं नहीं झेल पाऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? मेरा धंधा चौपट हो गया। और तुम क्यों रो रहे हो? वही गया है ना, प्रॉपर्टी किसी के नाम लिखी है, कहा था बच जाएगा तो आधी मुझे दे देगा। गुस्सा मत करो, कब्रिस्तान में मर के खर्च कम कर दिया है, रिश्तेदारों और दुश्मनों को बुला के यही क्रियाकर्म कर दो। मुझे क्या करना है? तुम लोगों ने इसको मारा है, जो भी करना है तुम ही लोग करो। अरे ये तो बेटे को ही करना पड़ता है ना। तुम बेटे नहीं हो ना, तो फिर पैर पकड़ो इसके। कैसा बेटा पैदा किया है, तुम्हारा जन्म धन्य हो गया। उतरो। क्यों? उतरो ना। अब तुम यहाँ से पैदल जाओ। दादाजी आइए, गाड़ी में बैठिए। दादाजी बैठिए ना, बैठिए। अपने हेल्पिंग नेचर के कारण मुझे सड़क पे छोड़ दिया, क्या करूं अब? हाँ जाने दो। क्या हुआ गंगा? इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? अरे अर्जेंट घर जाना है मुझे, उधर इंटरनेट पर हाँ अच्छी लड़की दिखा रहे हैं, देसी और विदेशी गर्ल्स। देसी गर्ल, विदेशी गर्ल? हाँ हीरोइन को भी दिखा रहे हैं। ए, यहाँ क्या चल रहा है? अरे पता नहीं क्या हो रहा है यार। हे
चार दिन रुको, सुपर कलेक्शन है यार, अगर तुम होते तो ऐसा कलेक्शन कभी नहीं आता। चार दिन नहीं था तो ऐसा गंदा काम करोगे? अरे तुमको पैसा कमाना नहीं आता है, हम पैसे कमा के देंगे। सुपर कलेक्शन है यार, तुम रुको चार दिन। ये सब गलत है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्या ये सब? अरे सुरम्मा कहाँ जा रही हो? करते हो तुम तो कुछ काम करते नहीं हो, मुझे तो काम करने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा ना, तुम्हें खिलाने के लिए। अरे तुमसे काम है, इतना नाटक क्या कर रही हो तुम? मैं कह रही हूँ मैं काम पे जा रही हूँ, तुम कह रहे हो कि मुझे अपने साथ आने। तुम्हारे काम से ज्यादा मेरा काम जरूरी है, चलो। दिन भर तो मरे हुए सांप की तरह पड़े रहते हो, और तुम्हें क्या हो गया? चलो काट डालूंगा नहीं तो। छोड़ो मुझे। लगता है कोई किसी को पीट रहा है। हे गंगाराम, ये आवाज कैसी आ रही थी? हाँ अपनी बीवी को मार रहा हूँ मैं। तुम? हाँ मैं ही। क्या मजाक कर रहे हो? हाँ? इंसान जैसा गुस्सा आया क्या तुमको? मैं मर्द हूँ। सच में मार रहे हो क्या? वो औरत है, उसको मार दूंगा देखना, और कितने दिन चुप रहूँ मैं, छोड़ूंगा नहीं। अरे साउंड आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये फिर से कैसी आवाज आ रही थी? फिर से मारा उसको। फिर से? हाँ फिर से। फिर से मारा उसको? हाँ फिर से मारा उसे। इतना गुस्सा क्यों आया तुमको, बताओ ना। पति को खुशी नहीं देती है, कैसी बीवी है? क्या खुशी नहीं देती है? हाँ। ये सही नहीं है, फिर भी ऐसे मारना बहुत गलत। तो मारना नहीं चाहिए क्या? वो अंदर मर रही है, उसको एक बूंद पानी भी नहीं दूंगा मैं, मार के दफना दूंगा मैं। हाँ, फिर जा रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। एक काम करो, तुम देख करके आओ। आपको मैं देख के आता हूँ। और छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरी बात मानो, एक बार तुम भी देख के आओ। देखो देखो जाके क्या हो रहा है। यार क्या बोला कि वो मार रहा है, लेकिन वो तो अंदर खुद मार खा रहा है। अब की बार तो उसको मार दिया है, बहुत बुरी हालत कर दी है। हाँ मर गई है, उसकी सांस भी नहीं चल रही है। अच्छा? बिल्कुल भी नहीं। सच बोल रहा हूँ? मार दिया। हाँ सच में मार दिया। अरे मेरा यकीन करो। हाँ अब तो वो उठ भी नहीं पा रही। क्या बोल रहे हो कमीने कहीं के, तुम मुझे मारोगे? दोबारा घर पे मत आना, ये ले अपना। अरे ये कैसे आ गई, मेरी जिंदगी कैसी हो गई है। ये देखो सारे कमीने आ रहे हैं। क्या हुआ बुआ, कहाँ जा रहे हैं सब लोग? स्वच्छ भारत अभियान में? हाँ जी स्वच्छ भारत ही है। क्या बे टीवी में गंदी गंदी फोटो दिखा के हमारे पतियों को भड़काते हो? छोड़ दो। प्रेसिडेंट जी घर में नहीं है और खेत में भी नहीं है, आज हमको कोई कुछ नहीं कह सकता। किसने कहा मैं नहीं हूँ? सर आप काम कर रहे हो क्या? सर हाँ। जो काम करना चाहता है उसे मिलता है, जो नहीं करना चाहता नहीं मिलता, समझे? आप जमींदार हो ना, आपको काम करते हुए देखना अच्छा नहीं लगता ना? एक इंसान को मेहनत करके चार लोगों का पेट भरना चाहिए, बैठकर खाना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपना काम खुद करता हूँ। क्या बात है सर, आपने फाड़ दिया सर। अरे बस करो, अपनी होशियारी अपने पास रखो, हम सब मिलकर गाँव के बुड्ढों को बर्बाद कर रहे हो। सर जिसके बारे में मालूम नहीं है उसको तलाशना भी गलत है क्या? हा? अरे तुम्हारे जैसे लोगों को तलाशने तलाशने का क्या मतलब है? हंस क्यों रहा है, महान काम कर दिया है क्या तुम लोगों ने? काम धाम करते नहीं हो, बेवजह में घूमते रहते हो। अरे अच्छे इंसान होते तो 10 लोगों की मदद करते तुम लोग। अरे आदमी को अपने परिवार के लिए जीना चाहिए, जो दूसरों के लिए नहीं कर सके जीने का क्या मतलब है? तुम्हारे जैसे लोगों ने देश को बर्बाद करके रखा हुआ है। गांव में एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, मुसीबत में एक आदमी को सिटी हॉस्पिटल ले जाना गलत है क्या? हाँ वही एक मेरी गलती है, तुम लोगों से कहने की जरूरत नहीं है, मैं हॉस्पिटल खुद बनवाऊंगा। गाँव में जलसा हो रहा है, जाकर मदद करो, कुछ काम करो वहाँ पर। बस बहुत हो गया, गाँव के जलसे में मदद करके हम अपने आप को साबित कर देंगे, चलो यहाँ से। एक दिन भी बिना गाली खाए नहीं रह सकता, छी हमेशा गाली ही खाते रहता है। विनय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जलसे का काम कर रहा हूँ। तुम्हारे दोस्त गांव के बाहर लड़कों को लेकर कहाँ जलसा शुरू कर दिए हैं। ओह अब मैं उन्हें कैसे बचाऊँ? अरे सुनो मेरी कहानी सुनो, मैं बहुत सही सुनाता हूँ। अरे सुन लो, अरे सुन लो। अरे बस करो, ये सब तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ नया हो तो सुनाओ। क्यों नहीं है, मंडे पेटा से फूल लेकर आए हैं। खुशबू आती है क्या? बहुत ज्यादा। तुम्हारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है क्या? सब कुछ तैयार है। क्या हुआ? कुछ नहीं। ए, क्या हुआ बताओ? कुछ नहीं भाई। बताओ ना। अरे तू बता ना। कल रात को उनको छोड़ दिया है ना भाई। अरे पागल, आगे वालों पर गुस्सा आया तो हमको चुप होकर दूसरों पर अटैक करना है, वक्त आने पर ही तलवार से काम करना है। अभी हमको क्या करना चाहिए? प्रेसिडेंट को फोन करना चाहिए। अब तुम सही रास्ते पे आ रहे हो। ठीक है भाई। जलसे में मदद करने के लिए कहा तो यही किया है तुम लोगों ने,
हर जगह गांव की बदनामी करते फिरते हो तुम लोग, बस छे, तुम लोग को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अगर हम पैदा नहीं होते तो हमारे माँ बाप को कौन देखता? अरे तुम लोग के माँ बाप तुम लोगों को सेंटीमेंट की वजह से पाल रहे हैं, मजबूरी है उनकी। सेंटीमेंट से पालने का मतलब? भिखारी को खाना देने जैसा। मतलब वो खा के हम जी रहे हैं क्या? फिर वो कैसे जी रहे हैं? वो भी बस ऐसे सेंटीमेंट में ही जी रहे हैं, शादियों में, मैयत में, इधर उधर का खाना खा करके, बस और क्या, ऐसे जी रहे हैं। तो क्या हम लोग उनसे भी घटिया? तो इसमें कोई शक है क्या? समझ के लिए अच्छा काम करने के लिए विनय बोला, लेकिन हम लोग। ए, तुम चुप रहो, जो हुआ इसमें इसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी। तुम्हारे पापा मेरे दोस्त हैं, उसने गाँव के लिए अपनी जान भी दे दी, बस इसीलिए तुम लोग की गलती को मैं हमेशा माफ करता रहता हूँ, लेकिन अब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप अपने आप को जज समझ रहे हो क्या? हर बार सजा बोलकर हमारे दोस्तों को हमसे दूर कर देते हो, इसका आपको पाप लगेगा। ए, बहुत ज्यादा हो गया, चलो निकलो यहाँ से। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? अंदर जाओ। ये शेषाद्री जज जैसा सजा दे रहा है, आप सब लोग ये क्यों मान रहे हो? तुम वहाँ से प्यार क्यों कर रहे हो? ये लड़की तुमसे क्यों प्यार कर रही है? ओ, बहुत कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन जानना है तो 10 मिनट का ब्रेक लेना होगा। अरे छोड़ना। आप बताओ। देखा है? कहाँ देखा है? हेलो, हेलो, हाँ तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहीं देखा है तुम्हें। खाना खाने के लिए बैठ जाओ। क्या है खाने में? झींगे का फ्राई और फिश करी। बस इतना ही? लाल बकरी का मांस, काली मुर्गी, वो सब कहाँ है बताओ? क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो? नहीं तो फिर क्या कहूँ, अपने घर में रोज सांभर अचार खाती थी, यहाँ पर वैरायटी का खाना खा रही हो, तुम्हारा क्या जाता है? कमाता तो मैं हूँ ना दिन रात। आप कहना क्या चाहते हैं? बेटे के लिए परेशान होकर मैं बेहोश हो गया था, बेकार में टेस्ट करवा के पूरी जेब खाली करवा दी मेरी। हार्ट अटैक से मर जाओगे ऐसा सोचकर हॉस्पिटल लेकर गई थी तुम्हें। तुम्हारा मंगलसूत्र बहुत मजबूत है। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ और ये कितना स्ट्रांग होगा। क्या बोल रही हो? खाना तैयार है, ये बोल रही हूँ। अरे जरा रुको, रोज रोज तुम ही खिलाती हो ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं अपने हाथों से खिलाऊं। ये लो, लो लो लो, और लो। हाँ पकड़ो, अच्छा है, कभी कभी ये भी करना चाहिए। ये लो, मैं तुम लोग को दे रहा हूँ, तुम लोग चुपचाप खाओ बस। हाँ खा लो। ये लो, ये झींगा, ये भी लो, तुम भी लो, एक प्लेट लो, इधर लो। हाँ खाओ बैठ करके, लो तुम भी लो। हाँ सही है, ये लो, खाओ 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 सब लोग। हाँ अच्छा बना है, खाओ सब लोग। करी है ना डैडी, मिर्च पाउडर से क्यों खा रहे हो? पेट जल जाएगा। मेरा पेट पहले से जल रहा है, इससे तो थोड़ा कम ही जलेगा ना, खाओ। मैंने क्या गलत किया डैडी, मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? गांव में फालतू लोग बहुत हो गए हैं, तुम एक आवारा से प्यार करने लगी हो, ये बात मुझे पता चल गई है, फिर मैं शांति से कैसे जी सकता हूँ, भला तुम ही बताओ। जाओ। छी, कैसी जिंदगी है, तुम्हारे साथ रहूंगी तो मुझे कभी शांति नहीं। तुम भी जाओ जाओ। छी, जाओ। हाँ हाँ सारे के सारे तुम ही खा जाओ। ये क्या खाएंगे, इनको बहुत भूख लगी है। मच्छी, झींगा, सही है, खा जाता हूँ। हाँ खाओ खाओ खाओ। तुम ऐसे नहीं खा पाओगे, ये भी मैं खा जाता हूँ। अरे तुम तो खाओ। क्या मामा, सब शांत क्यों है? ऐसा क्यों है तुम्हें नहीं मालूम क्या? गांव में तो ये सबका भला करते हैं, लेकिन तुम्हारी शादी के नाम पे दुखी हो रहे हैं। आप चुप क्यों खड़ी हो, अपने पापा से बात करो। क्या हुआ, आप चुप ऐसे क्यों खड़ी हो, जवाब दो मुझे। अब क्या जवाब दोगी बताओ मुझे? हाँ, अब इस समाधान के लिए अपने पापा से बात करो।
तुम रुको। बेटी, हर जमाने में एक महान आदमी पैदा होता है, ऐसे ही ये पैदा हुए हैं। हमेशा अच्छे कार्य किए, अपने परिवार को दिशा दिखाई और सारी जिम्मेदारियां भी निभाई इन्होंने। उनका पोता होने के नाते अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गांव के लिए न्याय करूं। ऐसे ही किसी व्यक्ति को अपना दामाद बनाना कहीं से कुछ गलत है क्या बेटी? आपका दुख मुझे समझ में आ रहा है डैडी, लेकिन उस विनय को मेरा दुख नहीं समझ में आ रहा। क्या करूं मैं? अरे तुम क्यों परेशान हो, ये तो हमारी वजह से हुआ है ना। चल, तुम कैसे रहते थे, अब ये सब क्या हो गया? सब हमारे कारण हुआ। इधर कोई नहीं है, चलो बाहर घूम के आते हैं। शेषाद्री ने गांव के लोगों की एक भगवान की तरह मदद की है, हमें उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। चलो तुम लोग मेरे साथ नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मेरी बात मानो और चुपचाप यहां से चले जाओ। जाओ तुम लोग। ओए, क्यों इग्नोर कर रहे हो, मुझे देखते क्यों नहीं? ए, किसके साथ बात कर रही हो? कोई नहीं है। कौन है वो? किसी से नहीं। चलो चलो अंदर चलो। छोड़ो छोड़ो मुझे। पागल हो गई हो क्या? चलो अंदर चलो चलो। छोड़ो मुझे। तुमको पता है क्या, मुझे शक हुआ तो किसी को भी बदल देता हूँ। ए, कितने वकील बदले मैंने? तीसरा वकील है भाई, आप सबको बदल देते हो। ए, सावधान रहो। हाँ हाँ हाँ, मुझे मार डालेंगे। ऊपर ले जाओ, बचाओ, ले जाओ ऊपर। छोड़ो, छोड़ो मुझे। चलो ऊपर, वो मुझे मार देंगे, छोड़ो। क्या हो गया हरी को, अपनी भांजी को इतना टॉर्चर कर रहा है? सुबह से कोई नहीं आ रहा है, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। अरे डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, अरे डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचा लो। अरे क्या हुआ पेंटैया, क्यों इतना डर रहे हो, क्या हो गया तुमको? ये पेट को देखो, बढ़ता जा रहा है। अब ये पेट देखने के लिए क्या ये मुमताज का पेट है क्या, इतना बड़ा पेट लेकर आ गया है? मर गया। जोक मत मारो, मेरी जान जा रही है, ये पेट पत्थर जैसा हो गया है, कुछ भी खाने से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पेट की ये हालत हो गई है, नीचे से टॉयलेट और ऊपर से उल्टी कुछ भी नहीं हो रही है। क्या क्या क्या, ऊपर से उल्टी नहीं आ रही, नीचे से टॉयलेट नहीं हो रही, क्या बता रहा है? चलो अच्छा बैठ जाओ, सांस लो। सब तो अच्छा चल रहा है। इसकी बीबी जब से छोड़ के गई है तब से ये कमीना बन चुका है। तो अच्छा चल रहा है। ये क्या मेरी तरफ देखने के बजाय उधर देख रहा है? क्या है रे वीरू, कहाँ जा रहा है, और ये लड़की कौन है? इसको नहीं पहचाना, ये मेरी बहन चिट्टी है। हाँ, ये किसी और के साथ भागकर शादी करके दुबई चली गई थी ना। हे, तुमको चाहिए क्या? ऐसे क्या देख रहे हो, पहचाना नहीं क्या? बचपन में जब इसे चोट लगी थी तो तुम्ही ने तो ऑपरेशन किया था। ये वो चिट्टी है क्या, कितनी बड़ी हो गई है अब? और हाँ, वो पीछे चोट कैसी है तुम्हारी, अब दिखाओ जरा। ठीक है, अब तो दर्द कम हुआ होगा ना। हाँ, अभी कहाँ जा रहे हो अब? मेरा टॉमी 2 दिन से दूध नहीं पी रहा, सिटी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं हम। ऑल इन वन RMP डॉक्टर तुम्हारे सामने खड़ा है, और तुम दूसरे हॉस्पिटल कैसे जा सकती हो? हाँ यही ना, इंसानों के लिए और जानवर के लिए एक ही डॉक्टर है, ये तो हमारे गांव का भाग्य है। सुना क्या, टॉमी टॉमी टॉमी, कितना खूबसूरत है ये, डायरेक्ट किस करने का मन कर रहा है। रुको, मैं इसे थर्मामीटर से चेक करके देखता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, मुझे छोड़कर चले जाओगे क्या, मैं कुत्ते से भी सस्ता हो गया हूँ क्या? तुम्हें बाद में चेक करूंगा। थर्मामीटर खोलना पड़ता है ना जी। मैं हूँ ना, जब मैं हूँ तो क्यों परेशान होती हो, इसे ऐसा पकड़ो, इसका पूछ उठाओ। इसको फीवर तो नहीं है, पेट में कीड़े हैं लग रहा है, मैं इसे दवा देता हूँ, तुम इसको खिलाना। ठीक है। ए, तुम भी मुंह खोलो, तुम्हारा भी टेस्ट करके देखता हूँ। ए, इधर जाके उल्टी नहीं, घर जाके करना, 200 रुपए फीस दे। आपका 100, ये लो, अब घर जाओ। थैंक्स डॉक्टर। आज का टाइम काफी अच्छा गया है।
ए, तुम कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? उसका भविष्य है उसके बारे में, उसे सोचने दो। तुम्हारे बारे में बताओ मुझे। तुम केवल अपने भविष्य के बारे में ही सोचो। आओ चलो बेटा खाना खा। विनय की और हमारी आज ट्रेनिंग है, इन्हें क्या पता है? हम दोनों बचपन में हनुमान जी के मंदिर में खेलते थे, वो मैं ही हूँ। तुम्हें याद है क्या, हनुमान जी के मंदिर में, भगवान के मंदिर में टायर के साथ, वो मैं ही हूँ। बचपन में हम साथ खेलते थे ना, मैं याद आई क्या तुम्हें बचपन में? समझ में नहीं आता ये लड़की बोलना क्या चाहती है। तुम्हारी और सपना की शादी करा के बस पोता पोतियों के साथ खेलने की इच्छा है। ये कभी नहीं होगा जीजा जी, बच्चों के दिल में क्या है पता नहीं तो ऐसा ही होगा। आप समझते क्यों नहीं हैं? वो किसी से प्यार कर रहे हैं क्या, एक बार उससे पूछ लो। नारायण जैसे आदमी को तुमने बर्बाद किया है, क्यों जी रहे हो पता नहीं है और तुम मुझे सिखाने आए हो यहाँ पर। देखो तुम किसी से भी प्यार करो, उसकी जाति और प्रॉपर्टी देखे बिना मैं उसके साथ शादी करूंगा, ये बात मैंने कही है ना तुमसे। और कुछ नहीं देखते हो क्या जीजा जी? आपने कहा है डैडी, लेकिन मैं विनय से प्यार कर रही हूँ, ये बोलने से पहले ही किसी पनिशमेंट में फंस जाता है वो। इस वक्त मैं आपको कैसे बताऊँ समझ नहीं आ रहा। विनय पनिशमेंट रूम में है इसीलिए हम लोग दुखी हैं, लेकिन इन बेवकूफों को खाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हे, क्या खा रहे हो तुम? खाने के अलावा कुछ और सोचते नहीं क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? यहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ आई हुई हैं, एक भी लड़की को तुम्हारा लाइन मारने का जी नहीं करता, तुम मर्द नहीं हो क्या? अरे लड़कियों से बात करना नहीं गले लगना है, उनको हंसाना नहीं है किस करना है। यूज़लेस, ऐसी बेकार बातें मत करो, लड़कों के मामले में ये अनफिट है। ठीक है काम कर लो। हाय। हाय। कौन हो तुम? हिप्पोपोटेमस और हाथी के भाई जैसे दिख रहे हो। हाय कहा तो आंख मारोगे क्या? आंख फोड़ दूंगी। हे, पत्ते आकर सुई पर गिरे या सुई आकर पत्ते पर गिरे, ये सब पुरानी कहावत है। अगर हमने तुम्हारे बारे में सोच लिया ना तो तुम बस स्टैंड बन जाओगे। अरे तुम रुको, ये बीच वाले लड़के को देखो, पूरा मिल्की बॉय दिख रहा है, कितना सुंदर है ना। कुछ और नहीं, बस अपना नंबर दे दो। अरे मेरा नंबर चाहिए क्या? यही है मेरा नंबर, कॉल करो। ए चलो। अरे कमीने, मेरा ऐसे इस्तेमाल करोगे क्या? एक दिया तो। परेशान मत हो, अरे मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए मुझे। एक मिनट रुको जरा। हेलो। देखो ना बुआ, माँ तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। देखो भाई मुझे कैसे मार रही है। बच्चों को पालना भी एक कला है। देखो मेरी बेटी को देखो, कैसे बड़े लोगों को इज्जत देती है ये। नमस्कार साहब जी। नमस्ते तुलसी जी, कैसी हैं? बैठिए। मेरा बेटा। बेटा पनिशमेंट रूम में तकलीफ उठा रहा है, उसे छुड़ाने आई हो क्या? बच्चों को पैदा कर देना बड़ी बात नहीं है, उनको कैसे पालना है ये बड़ी बात है। बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, ये नहीं पता रहेगा तो ऐसा ही होगा। तुलसी जी, मैंने विनय के लिए बहुत इंतजार किया लेकिन वो नहीं बदला, इसीलिए उसे दंड ग्रह में डाला है, बुरा मत मानिएगा। मैं चलती हूँ साहब। माँ, अचानक की सरप्राइज। ओ, मैं याद हूँ तुम्हें। अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, कैसे भूल जाऊँ? तुमने कितना प्यार किया है वो मुझे समझ में आ रहा है। क्या समझ में आया था? हाँ, प्यार मुझसे है और दूसरे गांव की लड़कियों के साथ नाचना गाना रोमांस हो रहा है। तो मुझे इतना ही समझ पाई क्या? नहीं तो तुम्हारे टैलेंट और दिमाग के लिए सजा कम और तोहफा ज्यादा। कुछ ऐसा होता रहता है, उसके बारे में फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिना फील किए तुम हैप्पी रहो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मेरी जान हो तुम। छोड़ो।
अरे बंद करो, मार डालूंगा तुम्हें। पकड़ो उसे, भाग रही है ये। हरी कहीं उस लड़की को मार तो नहीं देगा? ए, ए, कहां जा रही हो? ए, पकड़ो इसको, ऊपर लेकर चलो। छोड़ो मुझे। चलो चलो ऊपर। हे विनय ने नया नंबर लिया है क्या? फोन नंबर तो लिया था लेकिन फोन उसका व्यस्त बता रहा है, रन से बाहर है शायद। अरे, ए, छोड़ो, रुक, मैं तेरे को मार डालूंगा। अरे बिल्कुल बचाओ मुझे। ए, रुक। ए, आवेदन उसकी बीवी को मार डालेगा, चलो बचाओ। अरे चंटी चलो चल कर उसको बचाते हैं हम लोग, चलो। पांडू मेरी बात तो सुन। अरे तू जा रे, तू चल 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 चल। अच्छा काम करेगी तो प्रेसिडेंट से शाबाशी मिलेगी। रुक ना, आज मैं तुझे छोड़ने वाला। ए, कौन हो तुम? बैल जैसा बीच मारे, मार डालूंगा तुझे। ए, पराओ, किसको मार रहा है, इंसान को या जानवर को? रोकने वाला नहीं है तो ऐसा ही करोगे क्या? अभी बताता हूँ तुझे। पूछो इस कमीने को, इसे लगता है कि मेरी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है तो ये मुझे मारता रहता है। अचानक से इसकी आवाज देखो कितनी ऊंची हो गई, यही मैं सोच रहा था कि ये मामला क्या है, कितने दिन से चालू है ये, मेरे जान में नाटक करती है। तेरी तो आज तो मेरे हाथों से बचेगी नहीं, तेरी तो। अरे बाप रे, पराओ, मुझे गुस्सा आया तो तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। मेरी आंखें फोड़ के मुझे अंधा बना के मुझे साइड करके मेरी बीवी के साथ रोमांस करने का प्लान है ना तुम्हारा, समझ रहा हूँ मैं। इसीलिए क्या खाने में ये अब मुझे चिकन पीस खिलाती ही नहीं है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, एक नंबर का कमीना है ये। क्या कहा तूने? कमीना कहा ना मुझे तूने? रुक, आज तेरे आशिकों को भी नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा सबको। हाँ, बीच में आता ना बचाने के लिए। छोड़। अरे सुनो जी, हमारे बेटे को कोई मार रहा है। चलो चलो, पीट दिया रे। बोलो कैसा लगा? पति और पत्नी के झगड़े में कभी नहीं जाना चाहिए, पता है ना, शक्ल देख लो। मना किया था, चलो। भक्ति मूवी चाहिए, हॉरर नहीं। ये लड़की मुसीबत में है, उसे बचाना ही पड़ेगा। सब लोग यहाँ अपने काम में बिजी हैं, मैं अपना काम देखता हूँ। राजा राजा रहना, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उनसे क्यों लड़ाई करना है, चलो मैं बताती हूँ। ए, ए, रुको। ए, हाँ भाई। अरे वो भाग रहे, पकड़ो उनको। उसी भाग दौड़ में हम लोग यहाँ पहुँच गए। हे भगवान, तुम्हारी और इस गांव की कहानी सुनकर मैं मेंटल हो रहा हूँ। सर नमस्ते सर। है? हम लोग तैयार हैं सर, शादी करवा दो। क्या? तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो? तुम दोनों शादी करना चाहते हो? तेरी तो, कौन हो तुम लोग? अरे सर, आपने वेंकटपुरम में फोन किया था और कहा था कि कोई शादी करने आया है। हाँ मुझे भी शादी करनी है, इसीलिए अपनी लवर को लाया हूँ। क्या तुम अपनी लवर को लेकर आए? सर तुम्हें शादी करनी है? सुनो आखिर तेरा लफड़ा क्या है यार? हम दोनों लवर हैं सर, इसके पापा के टॉर्चर से एक बार भाग गए, शादी करने के लिए सोचा लेकिन नहीं हुई, इस बार प्रोटेक्शन के साथ शादी करने के लिए भाग आए हैं। सर वेड़ू कहाँ पर हो? मैं इधर हूँ, हमारे मिनिस्टर की भांजी और वेंकटपुरम का लड़का, दोनों की शादी करवाने के काम में हूँ सर। ये क्या, ये पागलों जैसी बातें कर रहे हो? ये क्या सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पुरम जाने के लिए तुमको मना किया है ना? बताया तो था सर। मुझे गुस्सा आया तो अच्छा नहीं होगा, मिनिस्टर जी की बेटी मिल गई है, तुम वापस आ जाओ। मिल गई है क्या? आ रहा हूँ सर। ओके सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर। बेकार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी में
कभी भी और किसी भी विषय में अपने सीनियर से गाली नहीं खाया हूँ, लेकिन मेरा बैड टाइम है। मैं तुम्हारे गांव आया तो तुम्हारे गांव वाले मेरे पास आए, तब से वो क्या बोलते हैं, टायर आके कील से लगा या कील जाके टायर को लगा, टायर ही पंचर होगा ना। अरे ड्राइवर गाड़ी निकालो, जल्दी आओ। मैंने कहा तुम गलत हो। नहीं नहीं तुम गलत हो। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। देखो वो लोग आ गए। ये रहे। पकड़ो इनको। भागो यहाँ से। आने दो, बताता हूँ इनको। कहाँ भाग रहे थे? अब बताऊंगा तुमको। ए, चाहूँ तो आसानी से इसे लेकर जा सकता हूँ, क्या समझा? पर चूंकि ये गाँव की लड़की है तो मामला निपटा कर ही जाएंगे। जानवर तो अपनी फितरत की तरह व्यवहार करता है, लेकिन तुम लोग इंसान होकर जानवर की तरह व्यवहार करते हो। तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। हर इंसान के दो पहलू होते हैं, किसी को एक नजरिए से देखेंगे तो गलतफहमी होगी। आप न्याय की बात कीजिए। कभी कोई अच्छा काम किया है तुमने अपने आप को साबित करने के लिए? क्यों नहीं किया है, बहुत सारे अच्छे काम किए मैंने। मेहनत करके काम नहीं करते लेकिन दोस्तों को सपोर्ट करने चले हो, उस लड़की की वजह से तुम्हें भी पनिश करूंगा मैं। पनिशमेंट देने के लिए हमने कुछ गलत नहीं किया है, प्यार किया है। हमारे माता पिता मना करेंगे इसलिए भाग के शादी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो तो सुसाइड कर लेंगे। बंद करो मुंह, तुम लोगों की नजर में लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है क्या? हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा, दोबारा ऐसी बात मत करना। प्रेसिडेंट जी, ये पंचायत शादी करवाने के लिए रखे हो क्या? मुझे क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम अपना मुंह बंद करो, अपनी भांजी को कंट्रोल में रखो, वो भी कुछ कम गलत नहीं है। बेचारी मासूम सैलजा को किडनैप करके रेप किया है, ऐसा बोलकर मैं निर्भया केस लगवाऊंगा और पुलिस आएगी तब बताएगी। आप चाहो तो केस कर लो, उसके बाद पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। बंद करो मुँह, जिंदगी से नहीं डर है लेकिन गुस्सा बहुत आता है तुम्हें। क्यों सैलजा और तुमने प्यार किया ना? नहीं। फिर उसे लेकर क्यों गए? ये शैलजा को टॉर्चर कर रहे हैं तो बचाने के लिए लेकर गया था। अगर ऐसा कुछ था तो मुझे आकर बताए होते तो मैं इसके लिए कुछ करता ना, तुम बीच में क्यों आ गए? तुम कौन होते हो? अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। विनय को गांव से निकाल रहा हूँ। सर ये सही नहीं है, सर सही नहीं है। हमारे दोस्तों को ऐसा गांव से निकालना सही बात नहीं है सर। अच्छा सभी को सजा देते रहोगे क्या? हमको अलग मत करो सर, हमसे विनय को दूर मत करो सर। ये रूट बेकार है सर, यहाँ कोई आने वाला नहीं है, मैंने आपको कितनी बार बताया है लेकिन आप मेरी बात मानते नहीं। अरे टेंशन मत ले छोटू, कभी कभी ऐसे रूट में ही जैकपॉट मिलता है। ए, उधर कुछ अलग सा वाहन आ रहा है, देखो। कहाँ सर? रुको, क्यों बे? आज तो नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। क्यों बे? पाइप का साइज ठीक है क्या? और बड़ा लगाओ, चार लोग और बैठे। सर कर्जा है इसलिए सर। ऐसा क्या? सर बिना काम के घूम रहे हैं, घर वाले डर रहे हैं सर, मेहनत करके हम क्या हैं ये दिखाने के लिए। मेहनत करके काम करना है तो ऑटो भी होना चाहिए ना। मेरी समस्या आपको समझ में नहीं आ रही है सर, चप्पल भी नहीं खरीद पा रहा हूँ मैं। हाँ क्या, देखो बिना रिंग के मेरा फिंगर कितना गंदा लग रहा है, रिंग भी खरीद नहीं पा रहा हूँ मैं। और कुछ रास्ता हो तो बताओ ना सर। बताओ सर। ऐसा क्या, इतना ही ना? कॉन्स्टेबल सेस। सर सर सॉरी सर, उसी बात पर रहो सर। आप फुल है, इतने दिनों के बाद तुम्हारी वजह से मुझे प्रॉफिट। लेकिन उसका बैड लग है, मेरा ही रिंग लोगे क्या? मर जाओगे, नाश हो जाएगा तुम्हारा। महा क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों? मैं विनय को जितना करीब से जानने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझसे उतना ही दूर हो रहा है। लगता है मेरा और विनय का एक होने का सपना सपना ही रह जाएगा, हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्या, तुम एक बार विनय को फोन तो करो। किया था लेकिन वो कह रहा है कि वो अभी कुछ बोल नहीं पाएगा, थोड़े दिन रुकने बोल रहा है, कहता है सब ठीक होगा। तुम दोनों की समस्या को भगवान ही रास्ता दिखाएंगे।
हे प्रभु, मेरे दोस्तों की बेहतरी के लिए मुखिया जी की सोच को बदलना होगा। वो गली तक जाना है तो ऑटो में जाना होगा, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। पैदल चल के जाएंगे तो ऊपर धूप है, वो भी हमसे नहीं होगा। अब क्या करें हाँ? क्या करें हाँ? नारायण भाई, अरे ये मुझे क्यों लिफ्ट देगा अब? मेरी वजह से ही इसको पैसे का नुकसान हुआ है और उससे ये गांव वाले फील भी कर रहे हैं। हाँ? फिर तो चांस नहीं है, आज तो इसको और इसकी गाड़ी को इस्तेमाल करना ही है। अरे नारायण, क्या कर रहे हो? तुम जैसे गधे से दूर और भगवान के पास हूँ इस समय मैं। अरे तुमने जो बोला वो मुझे समझ में आया है, लेकिन जो काम गधा नहीं करता वो तुम कर रहे हो। भगवान की पूजा करना बेवकूफी है, ऐसा तुम्हारे जैसा बेवकूफी बोलता है। फिर भी ये बताओ नारायण, तुम क्या मांगने के लिए प्रार्थना कर रहे हो? मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी बीवी मुझे मिल जाए, वो कहीं खो गई है। यूज़लेस फेलो, इनकी तो बीवी खो गई थी और इन्हीं से तुम ढूंढने की मदद मांग रहे हो। तुम्हारी कनकम को कैसे ढूंढने के लिए मदद करेंगे? बात तो सही है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? और क्या करोगे? इनकी बीवी को ढूंढने के लिए हेल्प करने वाले हनुमान जी से तुम अपनी बीवी ढूंढने के लिए मदद मांगो तो सही रहेगा। ठीक है, तो फिर मैं जाके मदद मांगता हूँ। अरे वो तो ठीक है, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तो ठीक है, छोड़ देना। फिर तो चलो ना। चलो। मैं कौन हूँ पता नहीं, कोई भगवान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मुझे आगे चलने के लिए, सबकी मदद करने के लिए उस शक्ति को नमस्कार करता हूँ मैं। क्या जीजा जी, ऐसे हवा में घूम घूम कर किसको नमस्कार कर रहे हो? पंचभूतों को। ठीक है जीजा जी, वो पंचभूतों को और भी नमस्कार करो, वो ही वर देंगे ना। पंचभूत के बारे में तुम्हें क्या पता? अरे मजाक मत करिए जीजा जी, मुझे पता है पंचभूतों का मतलब होता है पांच भूत और क्या। अच्छा, तो ये बताओ कि कभी उसे नमस्कार किया है क्या? वो क्या है कि मैं आपके जैसा भूतों को नमस्कार नहीं करता हूँ, मैं दिल से वो शिव जी को और काली माता को ही नमस्कार करता हूँ। आहा, मतलब चिरंजीवी और रम्या को है? अरे क्या जीजा जी, ऐसा अंदाजा लगा लिया आपने, वही मेरे भगवान हैं। आप भूत हो? क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? डैडी आप बदलोगे नहीं क्या? आप हर रोज जो फूफा जी को मारते हो, बुआ को वो हमेशा बुरा लगता है। आप रोज मुझे शादी कर लो कहते हो, अब जो आने वाला है वो भी अगर आगे जैसा गुस्से वाला निकले तो मेरा क्या होगा? मैं भी बुआ की तरह हमेशा दुखी ही रहूंगी, फिर आप क्या करोगे बताइए? और ये पुराण के नियमों को आप अभी तक फॉलो क्यों कर रहे हो? आप भी हमेशा ऐसे ही रहेंगे क्या? जनरेशन के हिसाब से बदलोगे नहीं आप, इसीलिए शादी नहीं करना चाहिए। छी, उधर वो नहीं बदलने वाला, इधर आप नहीं बदलने वाले। आइए माँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। शेषाद्री जी, मुझसे एक गलती हो गई है। हाँ? क्या, आपने क्या गलती की है बताइए ना। वो गलती आज की नहीं है, ये बात 25 साल पुरानी है जब मैंने एक गलती की थी। क्या है बताइए तो। आप जब अपनी बहन को डिलीवरी के लिए लेकर आए थे ना। हाँ? हाँ? तब आपकी बहन को एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई थी। आ? उसी समय मैं उस लड़के को लेकर मैं चली गई थी। क्या विनय मेरा मामा है क्या? विनय मेरा भाई है क्या? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मुझे आपने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? बताइए आपने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आपने जो किया है, आपके पति को सम्मान था, वो भी चला गया, चाहिए हाँ। वो मेरा भांजा है क्या? आप उसको लेकर आओ जी। उसे गाँव से निकाल दिया, आप कैसे लेकर आऊंगा? विनय तो मेरा है। ओए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और विनय कहाँ है? हेलो मैडम, विनय अब मेरा भाई है। सपने से अब बाहर आ जाओ। आऊंगी, वो मेरा हाफ हस्बैंड जो है वो ठीक है। अब विनय को गांव में कैसे लाना है वो सोचो। क्या करना चाहिए? ला 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 ला। क्या है चंटे? तुमको एक बात पता है क्या? क्या है वो? विनय तुम्हारा ही बेटा है। क्या, विनय मेरा बेटा है? इसकी तो तुलसी ने ऐसा किया है क्या? तुमने जो कहा है वो सच है क्या? सच है। अच्छा ये सब बात ठीक है, तुम्हारे पास विनय का नंबर है क्या? मुझे भी जरा भेज दो। ठीक है,
बेटा विनय, आज तक तो मैं गलतियों पर गलतियां करता रहा, लेकिन आज मुझे एक अच्छी खबर मिल गई है। हे विनय, जीजा जी को मना कर तुमको अपने गांव लेकर जाऊंगा। हाँ ओके, थैंक यू बॉस। हे भाई, अरे कैसे हो? और कैसे बताओ? और बताओ क्या चल रहा है? आज से हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। बिल्कुल, तुम्हारे कारण ही हम सबकी जिंदगी बदलने वाली है। विनय यहाँ से उस घर की लड़की को कैसे लेके गया है? इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? ठीक है, क्या हुआ है पता लगाती हूँ। हे प्रेसिडेंट की बेटी, तुमसे क्या पूछ रही थी? विनय और शैलजा कैसे मिले हैं? वो लोग मिले कैसे यही पूछ रही थी भाई। उनकी मुलाकात कहाँ हुई? वो दोनों जब भाग रहे थे आप क्या कर रहे थे वो पूछ रही है। जलजा उदय के साथ भाग गई है, शैलजा किसी और के साथ भाग गई है। हम लोगों को मिला के इस गांव से निकाल दिया जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई। और भी बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे। बोलेंगे वो बोलेंगे, विनय का प्यार और प्रेसिडेंट की बेटी का घमंड, कुछ भी बोलेंगे वो। बोलने दो। ऐसे चुप रहने का क्या फायदा? ए, आगे वालों को मारना है तो बिना सोचे समझे मार देना चाहिए। हे नारायण, भगवान से क्या मांग रहे हो? धूप में भी बारिश आ रही है। तुमने बताया था हनुमान जी की पूजा करने के लिए, वही कर रहा हूँ। तुम इस जन्म में बदलोगे नहीं। क्यों? अरे मैंने क्या बोला और तुम क्या कर रहे हो? बोला तो था हनुमान जी की पूजा करने के लिए। ए, तुम्हारी उम्र तो हो गई है लेकिन दिमाग बड़ा नहीं हुआ। बताओ तो मैंने किसकी प्रार्थना करने को कहा? बोला तो हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ। वो किसकी प्रार्थना कर रहे हो? श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना कर रहे हैं। अरे इतनी भक्ति श्रद्धा के साथ सीता और राम जी की प्रार्थना कर रहे हो? अपनी बेकार इच्छा से उनको परेशान करोगे क्या? अरे तुमने ही तो कहा था, इसीलिए मैं कर रहा हूँ भाई। मैंने कहा है इस गली को छोड़कर उस गली के अभय हनुमान जी की प्रार्थना करने को कहा था। क्या, क्यों? वो क्या है कि वो तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। ए, हनुमान जी हर जगह एक होते हैं, मैंने यही सोचा था। इतने टाइप के होंगे ये बात मुझे पता नहीं थी। वो क्या है, अब हमको क्या करना चाहिए? हनुमान जी के मंदिर में जाना होगा। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी है। वो गाड़ी में पेट्रोल है क्या? पेट्रोल है। फिर मैं ही तुमको तुम्हारी गाड़ी से उधर छोड़कर जाता हूँ। ओके चलो चलो चलो। शैलजा क्या कर रही है? ऊपर है। सब यहाँ क्यों खड़े हो? ऊपर जाओ। क्या बात है? मैं काम छोड़ रही हूँ, मेरी सैलरी मुझे दे दो। क्यों, क्यों छोड़ रही हो? गांव के सारे लड़के मुझे जंगल में आओ, खेत में आओ ऐसा कह कह कर बुला रहे हैं। फिर तुमने क्या कहा? लोगों को क्या मैं गलत काम करने वाली दिखती हूँ? मैं काट डालूंगी ऐसा कहा मैंने। फिर उन्होंने क्या कहा? तुम्हारी मालकिन तो किसी के साथ भाग गई है, तुम काम वाली होकर के ऐसी बातें बोल रही हो, बोल रहे हैं। मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? फाइनली तुम क्या बोलना चाहती हो? मेरी सैलरी मुझे दे दो बस। ये लो। ए, ऐसे हंस क्यों रहे हो? वो तुलसी अम्मा के बारे में सोचकर मुझे हंसी आ रही है। तुलसी अम्मा को क्या हुआ? वो विनय जो है तुलसी अम्मा का बेटा नहीं है, शेषाद्री की बहन का बेटा है। वो जो विनय है शेषाद्री का भांजा है क्या? हाँ। छोटी छोटी बूंद गिर रही है तो छोटी बारिश ही होगा ऐसा सोचा, बड़ा होकर इतना बड़ा तूफान बनेगा ये नहीं सोचा। वो विनय प्रेसिडेंट का भांजा होगा तो कैसे भी महालक्ष्मी से शादी करेगा। आप दुखी मत हो ना बॉस, आप काम वाली की बातें छोड़ो, कुछ भी हो लेकिन एक बात तो है कि आप इंसान बहुत ग्रेट हो। क्यों, क्या बात कर रहे हैं आप? राम जी आपसे बहुत कम है, ये बात आपको पता है क्या? राम जी मेरे से कम है क्या, इसका मतलब क्या हुआ? अरे कम ही है, क्योंकि रावण जो है
सीता को एक बार ले गया था, इस वजह से रामचंद्र जी ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया। लेकिन आप जो हैं, शैलजा दो बार भाग चुकी है, फिर भी आप उसे उतना ही प्यार करते हैं और उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। क्या रामचंद्र जी ने इतना त्याग किया था? तो आप बताइए, आप हुए ना राम जी से आगे। तेरी तो मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो क्या? मार डालो इसको। अरे 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 जिसको मैंने गांव से निकाल दिया वो बहुत अच्छा इंसान है, उसे मेरी बेटी प्यार करती है। गांव में सबकी समस्या मैं सॉल्व करता हूं, और आज भगवान ने मुझे किस समस्या में डाल दिया। आप दुखी मत हो पिताजी। ठीक है, जो गलती मैंने की है मैं उसे ठीक कर लूंगा। महालक्ष्मी कहाँ है? महालक्ष्मी भैया के लिए मंदिर गई है। ठीक है, आने के बाद बात करके हम लोग तय कर लेंगे। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी। भाभी जी भैया आ रहे हैं जी। बेटी के बारे में कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। टीवी में वो किडनैप और मर्डर के बारे में देखकर माँ के साथ क्या होगा ये सोचकर भाभी को डर लग रहा है भैया। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, समझ गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा ना मत डरो। आप कुछ कीजिए ना। सपना, महा के बारे में तुम्हें कुछ पता चला? नहीं पिताजी। भैया ये पीस बहुत हाई है, ये बॉयलर मुर्गी है या कंट्री चिकन है क्या? अरे मेरी मुर्गी का है। ए, बेटी का पता नहीं चल रहा मैं दुखी हूँ और तुम खाने की बात कर रहे हो? इंसान हो या जानवर हो? एक बार खाने वाला योगी, दो बार खाने वाला भोगी, तीन बार खाया तो रोगी, इतनी बार खाते हो क्या बोलूं तुम्हें? योगी बोलते हैं। छे, इंसान हो या जानवर, सब लोग इतने दुखी हैं और तुम्हें कोई दुख नहीं है। नहीं जीजा जी, मैं तो ऊपर से ऐसा ही घूम रहा हूँ, हमारे भी दिल में महालक्ष्मी के बारे में दुख है। जीजा जी, आज से मैं कौन हूँ आपको जरूर दिखाऊंगा। आप खाना खा के घर में रेस्ट करो, मैं जाके महालक्ष्मी को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। जाओ जल्दी। जाओ चंटी, हम कौन है इनको दिखाते हैं। अरे यार, इस गाँव में भी महालक्ष्मी दिख नहीं रही है, पॉकेट में पैसा भी खत्म हो गया है, अब कहाँ जाके ढूंढूंगा भाई, कैसे ढूंढना है मुझे? हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाना। ये हुई ना बात। पैसे दे दो साहब। मेरे पास भी नहीं है, तुम्हें भी देना है क्या? हमसे ही मांग लो, हम दे देते हैं तुम्हें। छे, पहले से ही मेरी जिंदगी बेकार है, अब तो इनसे भी बदतर हो गई। क्या नारायण, क्या कर रहे हो? इस बार गलत नहीं कर रहा हूँ ना? तुम गलत कर रहे हो, मैं साबित करके रहूंगा। तो फिर साबित करो। तुमको क्या पसंद है? हलवा पसंद है। मुझे जो वार पसंद है, इनको मंगलवार पसंद है। आज कौन सा दिन है? सोमवार है। आज का दिन किस देवता को पसंद है, वो कौन है पता है क्या? शिव जी को। इनसे भी बहुत पावरफुल है भोले शंकर जी। अभिषेक करके जो चाहिए वो मांग लीजिएगा, बिना सोचे वो दे देंगे, पता है क्या? बताओ। सच में क्या? हाँ नारायण, लेकिन तुमने गलती किया है, मान रहे हो ना? फिर देर क्यों, चलो ना। चलो 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 चलो। मैं अभी आ रहा हूँ, चलो ना। महालक्ष्मी है क्या? आ जाओ। मताना यहाँ पर, यहाँ मताना। अरे मेरी बात मानो, यहाँ पर मताना। बात मानो, दूर रहो। अरे सुनाई नहीं रहा। अरे मेरी बात मानो, दूर रहो, मताना यहाँ। विश्वनाथ तुम ही हो क्या? अरे बोल दो, मैं ही हूँ, बोल दो, मैं ही हूँ। बोलो। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम नहीं हो क्या? चलो अंदर। अरे कह दो तुम ही विश्वनाथ हो, बोल दो, बोल दो, कह दो तुम ही हो। मैं ही हूँ विश्वनाथ, मैं ही विश्वनाथ हूँ। हेलो, एसआई जी हैं क्या? हाँ मैं हूँ, बोलिए। मैं वेंकटपुरम से बोल रहा हूँ, मेरा नाम शेषाद्री है। शेषाद्री जी, कहिए क्या बात? मेरी बेटी महालक्ष्मी लापता है। महालक्ष्मी लापता हो गई? जी,
ये क्या ट्विस्ट है? कहां से आया? मैं लेकर तो आ जाऊंगा, पर आपके गांव में पुलिस नहीं आ सकती ना, यही प्रॉब्लम है। मैं आपको बुला रहा हूँ ना, मैं बदल गया हूँ, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से आ सकते हैं। मैं देख लूंगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करो, फोन करके आदि से पूछो कि वो गांव में है या नहीं। वो अपना वाला आइडिया ना, ठीक है फिर करता हूँ। चलो चलो। क्या काटा है भाई? आप सुपर हो भाई। हाँ, आपका कोई जवाब नहीं भाई। ऐसा बीज काटने से नहीं कटता, इसे क्रॉस करके काटना चाहिए। काटो काटो। क्या है ये सब, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये ऐसे लाठी लेकर तुम लोग यहाँ चले आए शेर का शिकार करने? जिंदा वापस नहीं जाओगे हैं? ए, जब पहली बार सचिन ग्राउंड में उतरा था ना, तब पाकिस्तान के बॉलर्स भी यही कह रहे थे कि ये बच्चा क्या कर लेगा। बाद में पता चला ये तो बाप है। मेरा मजाक उड़ाते हो, मार डालो इनको। ए, ए, तलवार है क्या? हाँ, आओ फिर। हाँ, अच्छा, आओ उठो, उठो, उठो। कहाँ जा रहे हो? जा कहाँ रहे हो? छोडूंगा नहीं। मार डाला। वहाँ क्यों मारा? हाँ, बावजी रहे। क्यों मारा? क्यों? किडनी में प्रॉब्लम है। तेरी तो रुक। ए, तू मुझे डरा क्यों रहा बे? मैं तो डर गया। क्यों मारा? फिर से क्यों? रॉड टूट जाएगा। सिर पे मत मारना, वो क्या है कि छोटा मोटा धंधा करता हूँ, कॉमेडी करके जिंदगी गुजार रहा हूँ, धंधा बंद हो जाएगा ना। बता हरी कहाँ है, बता। अच्छा, तो आप मुझे हरी के लिए मार रहे थे क्या? हाँ। पहले ही पूछते तो मैं बता देता आपको, वहाँ उस कमरे में है वो, ढूंढ लीजिए। अरे भाग लो। अरे रूम यही है क्या? नॉक करो जरा। मिल गया। हे, क्या तुम पुलिस हो क्या? हाँ पुलिस है। तुमको प्रॉब्लम क्या है? चलो हा? चलो चलो फिर। डैडी। अरे बेटी आ गई। आ गई डैडी। और आप लोग? भैया बेटी आ गई। बेटा आ गई। बहुत अच्छा लग रहा है। देखो इसे, तुमको यही लेकर गया था ना, अब इसे इसके किए की सजा मिलेगी। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। जुबान है इसलिए कुछ भी मत बोलना। नहीं, हाथ भी उठाऊंगा। ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इन पे हाथ उठा रहे हो? मानसिक बीमारी कितने लोगों को है पता है क्या? इनकी दीदी और जीजाजी एक्सीडेंट में मर गए और उनके बच्चों को अपने बच्चों जैसे पाला है, और आप इन पर इस तरह का आरोप लगा रहे? वो भी साइकेटिक पेशेंट हैं। बड़ी लड़की जलजा चंद्रमुखी हीरोइन जैसी है, जो सपने में आकर सबको परेशान करती रहती है। और दूसरी लड़की शैलजा सिनेमा के लिए पागल है, जिस फिल्म को देखती है उसी के किरदार को जीने लगती है। वो कितना भी टॉर्चर करे उसको झेल करके ये भाई साहब उसको बचाते चले आ रहे हैं। जो इन्हें जानते नहीं उनको यही लगता है कि प्रॉपर्टी के लिए इन्हें उनको घर में कैद करके रखा हुआ है। वो उदय और विनय इनकी भांजी को लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये उनकी भांजी को लेकर गए तो ये गलत है। गलत नहीं तो फिर? गलत नहीं है डैडी, हरी बहुत अच्छे इंसान है, वो यही बात कर रहे थे। एक दिन मैं नहीं मिली तो आप सब इतना परेशान हो गए ना, उनकी दोनों भांजी को लेकर गए हो आप, वो कितने दुखी हुए, यही तो दिखाने के लिए ये सब किया। अनजाने में मुझसे भी गलती हो गई। अरे तुमने क्या गलती की है? तुमने कुछ भी गलती नहीं की। एक अच्छा दोस्त माँ और पापा से भी बढ़कर होता है, हमारा अच्छे से ख्याल रखता है, हम पर कोई परेशानी आई तो उसे साथ मिलकर सुलझाया है।
तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसका एहसान हम नहीं चुका सकते। शाये, शांत हो जा यार, रो मत। मैंने विनय को गलत समझकर न जाने कितनी बार अपमान किया है ऐसे ही। आप सब अच्छे हैं, मैंने ही आपको गलत समझा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप ऐसा मत कहिए सर, इस गांव के लिए आपने बहुत कुछ किया है। अब तो एक ही रास्ता है, गांव से जिनको निकाला था उनको बुलाओ, सबकी शादी करनी है। माँ की शादी किसके साथ होगी पिताजी? वो लड़का तो सामने ही खड़ा है। जीजा जी, फिर मेरी शादी? विश्वनाथ, वो देखो तुम्हारी चंद्रमुखी आ गई। आ गई क्या? भागो। तुम कहीं भी जाओ वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली है। अरे तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही है, उनका आशीर्वाद ले लो। बेटा। माँ, तुम वहाँ एक अपराधी की तरह क्यों खड़ी हो? आओ, मुझे आशीर्वाद दो। हमेशा खुश रहो बेटा। माँ, तुमने मुझे अपना बेटा समझ के पाला है, तुम ही मेरी असली माँ हो, तुम ही असली माँ हो। हाँ बेटा, तुम ही मेरे बेटे हो। तुम्हारा कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा माँ। इधर आओ बेटा। बेटा, यही तुम्हारी असली माँ है बेटा। आप दोनों ही मेरी माँ हैं। इधर कोई शुभ काम हो रहा है क्या? इसी खुशी में मैं आप सबके लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। क्या है वो? हमारे गांव के मंदिर के देवता के आभूषण चोरी होने से बचाने के लिए भैरव नायडू जी ने लड़कों को 10 लाख रुपए का चेक भेजा है। ये रहा वो चेक। क्या चेक दिया है? क्या देखू तो? एक मेरे लिए और एक उदय के लिए। हाँ सर, क्या कहा? ओ हाँ, भूल गया यार, आधी सेटल नहीं हुआ है ना, फिर एक आधी के लिए और दूसरा उदय के लिए। ये हुई ना दोस्ती वाली बात।